कार्यक्रम मात्र 7 मिनट विलंब से है, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से। हमारे बीच हमारे प्राचार्य डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हमारी सुधा तिवारी जी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं, तो हम उनसे परमिशन लेते हुए कार्यक्रम को औपचारिक रूप से आरंभ करते हैं। ओवर टू यू अनुष्का। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस। हेलो एवरीवन, आई एम अनुष्का पवार ऑफ इंग्लिश ऑनर्स सेकेंड ईयर, वॉलंटियर ऑफ एनएसएस देशबंधु। इंद्रप्रस्थ शक्ति इन कोलैबोरेशन विद एनएसएस यूनिट देशबंधु कॉलेज इनवाइट्स यू ऑल इन द सेलिब्रेशन ऑफ 153rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगिनी निवेदिता। स्वामी विवेकानंद के अनुयायियों में सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त करने वाली एंग्लो आयरिश सामाजिक कार्यकर्ता भगिनी निवेदिता का जन्म 20 अक्टूबर 1867 को टायरोन आयरलैंड में हुआ था। भगिनी निवेदिता ने शिक्षा विहीन लड़कियों को शिक्षित करने के उद्देश्य से एक स्कूल का निर्माण भी किया था। उन्होंने जातिवाद जैसी कुप्रथाओं के विरुद्ध भी अपनी आवाज उठाई थी। भगिनी निवेदिता एक प्रभावशाली लेखिका थी जो किसी समाचार पत्र के लिए लेख लिखती थी, और उनके इस तरह के महान कार्य से जल्द ही उनका नाम पूरे लंदन में प्रसिद्ध हो गया था। अब मैं प्रार्थना के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी उषा मैम को। ओवर टू यू मैम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावासविदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जेथा मा हृदः यस्य स्विद्वनम् विद्यां च विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यां मृत्युं तीर्त्वा विद्यां मृतुमश्नुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवे। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही, हरि ओम। ओवर टू यू स्मिता दीदी। थैंक यू। अब मैं दिल्ली शक्ति की प्रेसिडेंट प्रोफेसर उमा कुमार जी को आज के कार्यक्रम में वेलकम एड्रेस के लिए आमंत्रित करती हूँ। संक्षिप्त परिचय देते हुए, प्रोफेसर उमा कुमार जी वर्तमान में एम्स रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट की एचओडी हैं। आपने काफी सामाजिक कार्यों को भी किया है, उसमें से एक है कि एम्स में रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश करते हुए आपने जो पेशेंट आते हैं उनके लिए प्रथम बार डे केयर की व्यवस्था कराई है। आप लेह लद्दाख, कारगिल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाकों में आप कैंप मरीजों के लिए कैंप लगाया करती हैं। आप एयर पोल्यूशन के इम्पैक्ट एवं हेल्थ रिस्क पर भी शोध कर रही हैं। चिकित्सा जगत में उत्कृष्ट योगदान हेतु आपको 2019 में प्रेसिडेंट अवार्ड से भी नवाजा गया है। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मिता जी, फॉर सबको मेरी बहुत नमस्ते। मैं इंद्रप्रस्थ शक्ति की ओर से डॉक्टर सुधा तिवारी जी प्रेसिडेंट नेशनल शक्ति, डॉक्टर ओमकार राय जी प्रेसिडेंट इंद्रप्रस्थ विज्ञान भारती, डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी प्रिंसिपल देशबंधु कॉलेज, माँ सुजाता नायक जी जो कि आज की कीनोट स्पीकर हैं, एवं शक्ति परिवार के समस्त सदस्यों का अभिनंदन करती हूँ। शक्ति, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक नेशनल मूवमेंट है विमेन की, जो कि विज्ञान भारती ने 2003 में शुरू की थी, और आज ये देश के बहुत सारे जगहों पर अपने पंख प्रसार चुकी है। शक्ति एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो विच वर्क्स विथ विमेन फॉर द विमेन,
it works towards empowering women socially, culturally, economically, so that they can complement their better halves, right? जब बात होती है तो better halves में women का नाम आता है, लेकिन मैं कहूँगी कि जो males हैं, they are also, you know, better halves. ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि जो पूरी दुनिया है वो women के around ही घूमती है. इसलिए बहुत जरूरी है कि वो educated हो, healthy हो, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, और इस दिशा में शक्ति ने बहुत सारा काम किया है और जिसके बारे में आपको बाद में बताएंगी भी हमारी नेशनल प्रेसिडेंट. और मैं कहना चाहूंगी शिव शक्त्या युक्त यदि भवति शक्त प्रभवितुम ना चेदेवम देवो न खलु कुशलः स्पंदितुमपि. हम सब जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन एक बार मैं उसको दोबारा से कहना चाहूंगी कि शिव शक्ति के साथ ही कंप्लीट हैं, उनके बिना अधूरे हैं, और बिना उनके वो ही कैन नॉट रिएक्ट टू अ सिचुएशन एंड ही कैन नॉट इवन ऑसिलेट. तो हम विमेन कॉम्प्लीमेंट करती हैं मेन को, एंड शक्ति ऑलवेज बिलीव्स इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस. शक्ति envisages to bring change in women's lives without distorting our age-old traditional values. और मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है आज कि इंद्रप्रस्थ शक्ति बड़े ही उत्साह और डिवोशन यानी कि समर्पण से शक्ति समर्पण दिवस आज मना रही है, जिसमें आप सभी लोगों का साथ मिला है. और आज जैसा कि बताया कि भगिनी निवेदिता जी की 153वीं बर्थ एनिवर्सरी है. भगनी निवेदिता, हुज ओरिजिनल नेम वाज मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, शी वाज एन आयरिश लेडी, बट शी वाज द स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ स्वामी विवेकानंदा, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी विमेन अपलिफ्टमेंट, गर्ल एजुकेशन और बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी एक्टिविटीज में लगा दी जिससे कि जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है उसका उत्थान हो सके. सो एज पार्ट ऑफ हर मिशन टू प्रमोट द फाइनेस्ट ब्रिलियंट माइंड्स ऑफ इंडिया, शी फाइनेंशियली सपोर्टेड द रिसर्च वर्क एंड ऑल्सो एंश्योर्ड एंड हेल्प्ड टू टेक दैट वर्क टू ग्लोबल ऑडियंस. सो इन साइंटिफिक एरिया ऑल्सो शी हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड ट्रिमेंडसली. हर लाइफ हैड बीन, आई वुड से, ऑफ इम्पॉर्टेंस टू विमेन इन मेनी मेनी वेज. And we the women at Shakti pledge to contribute to our society and our nation by going an extra mile towards engaging both men and women in the upliftment of women, underprivileged and deprived sections. So I would conclude here by saying that dear girls and fellow women, if you really want to contribute to the upliftment and empower women, be a part of the change. Aap shakti se jyada numbers mein jude, apna sujhav dein, badlav lane ke liye bahut zaruri hai ki aap apne comfort zone se bahar aaye aur wo extra mile chale jo ki logo ki zindagi mein badlav aa sake. So jai hind. Thank you so much, ma'am, aapke valuable words ke liye. I hope every volunteer will keep a note of your words. Now, I would like to call our respected principal, Dr. Rajiv Agarwal, sir, to give us a few words on our today's session. Over to you, sir. Dhanyavaad bahut bahut. Rashtriya Seva Yojana, NSS, Deshbandhu Mahavidyalaya. The Vigyan Bharati ke prakalp Shakti ke sanyukt तत्वाधान में अग्नि निवेदिता 153वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम, इसका विषय है भारत में सामाजिक परिवर्तन में अग्नि निवेदिता का वैज्ञानिक योगदान. मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, देशबंधु कॉलेज परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन. आज के इस अति महत्वपूर्ण व प्रासंगिक व्याख्यान हेतु इस कार्यक्रम की मुख्य वक्त्री माँ सुधा नैयर जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, जो कि विवेकानंद केंद्र से.
इस कार्यक्रम की दूसरी वक्ती डॉक्टर सुधा तिवारी जो कि विज्ञान भारती शक्ति की अध्यक्षा है, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वागत की इस कड़ी में महत्वपूर्ण वक्ता विज्ञान भारती के सचिव एवं डायरेक्टर जनरल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे डॉक्टर ओंकार राय जी का हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर उमा कुमार जी हेड रेबियोलॉजी डिपार्टमेंट एम्स व सुश्री बिंदु सूरज राष्ट्रीय संगठन मंत्री शक्ति का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम की आयोजन समिति जिसमें देशबंधु महाविद्यालय एनएसएस की प्रोग्राम ऑफिसर हमारी डायनेमिक डॉक्टर रूबी मिश्रा, कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर प्रतिमा सोलंकी, डॉक्टर स्मिता सुदर्शन एवं देशबंधु महाविद्यालय एनएसएस की छात्रा अध्यक्षा दीक्षा तिवारी, उपाध्यक्ष भावना युवांशु, समस्त एनएसएस इकाई व उपस्थित विद्वानों, शिक्षक गणों और छात्रों का मैं देशबंधु महाविद्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, देशबंधु महाविद्यालय की एनएसएस इकाई का ध्येय वाक्य है नॉट बी बट यू, को वास्तविक अर्थों में सकारित करते हुए युवाओं में लोकतांत्रिक गुणों व नेतृत्व क्षमता का विकास करते हुए उनमें राष्ट्रीय एकता और सामुदायिक सहयोग की भावना का विकास कर रही है। एनएसएस देशबंधु इकाई द्वारा युवाओं में सामुदायिक समस्याओं से निपटने व समूह स्तर पर जिम्मेदारियों को बांटने के लिए आवश्यक कौशल व एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में उनका विकास किया जा रहा है। यहाँ वर्ष भर सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए अनेक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जैसे स्वच्छता पखवाड़ा, रक्तदान शिविर, सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम, श्रमदान, महिला स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम एवं अनेक सामाजिक व पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित जागरूकता रैलियां इत्यादि। इस प्रकार देशबंधु महाविद्यालय की एनएसएस की गिनती दिल्ली विश्वविद्यालय की सर्वश्रेष्ठ एनएसएस इकाइयों में की जाती है। जैसा कि उमा जी ने बताया, शक्ति विज्ञान भारती का एक प्रकल्प है जो समस्त भारतवर्ष में व्याप्त महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन है, जिसका उद्देश्य समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए हमारे समाज को फिर से जीवंत करना है, ताकि सामाजिक मानसिकता में एक विशिष्ट परिवर्तन के माध्यम से पुरुष और महिला दोनों एक साथ आ सके और एक प्रगतिशील समाज के निर्माण में एक दूसरे का पूरक बन सके। दोस्तों, नारी सशक्तिकरण के अद्भुत उदाहरण वह स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता की 153वीं जयंती के उपलक्ष में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि बताया, आज ही के दिन 28 अक्टूबर 1867 को आयरलैंड में मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल का जन्म हुआ। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से अत्यंत प्रभावित होने के कारण 28 जनवरी 1898 को वे कोलकाता आई व निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। यहाँ उन्होंने कन्या पाठशाला आरंभ की। 1899 में महामारी प्लेग में नर्स के तौर पर जनसेवा की। इसके अतिरिक्त एक क्रांतिकारी के रूप में अंग्रेजी शासन से लड़ने में भी उनकी भूमिका सक्रिय रही। भगिनी निवेदिता महिला शिक्षा वे उनकी आजादी की प्रखर समर्थक रही है, तो इस संबंध में उनके जन जागरूकता के कार्य अत्यंत सराहनीय रहे। उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए आज हम महिला सशक्तिकरण के विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान पर चर्चा करने वाले। मैं आशा करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में महिलाओं के सामाजिक उत्थान, शिक्षा व सशक्तिकरण हेतु भगिनी निवेदिता द्वारा किए गए प्रयासों व भारतीय दर्शन व विचार के प्रति श्रद्धा व समर्पण के भाव एवं वैज्ञानिक दृष्टि से हम सभी को हमारे आज के वक्तागण माँ सुधा नैयर जी, डॉक्टर सुधा तिवारी जी, डॉक्टर ओंकार राय जी, डॉक्टर उमा कुमार व बिंदु सूरज जी और हमें विस्तार में प्रकाश डाले। अंत में इस कार्यक्रम की सूत्रधार देशबंधु महाविद्यालय एनएसएस की प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर रूबी मिश्रा, कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर प्रतिमा सोलंकी, डॉक्टर स्मिता सुदर्शन, डॉक्टर मोनिका शर्मा, डॉक्टर मोनिका बजाज एवं सुश्री अंजना पवार एवं देशबंधु की एनएसएस इकाई और शक्ति इस सफल आयोजन हेतु बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
मैं राजीव सर को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी और अब मैं बुलाना चाहूंगी रूबी मिश्रा मैम प्रोग्राम ऑफिसर एनएसएस टीम टू इंट्रोड्यूस अस टू आवर टुडे स्पीकर सुजाता नायक जी ओवर टू यू मैम आई विल नॉट टेक मच ऑफ अ टाइम वी आर गोइंग टू लिसन टू आवर गेस्ट स्पीकर वी आर ब्लेस्ड टू हैव ओमकार राय जी एंड ऑल द एमिनेंट स्पीकर विद अस सो आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस टू यू ऑल हमारे जो गणमान्य स्पीकर हैं जो सिस्टर निवेदिता जी के बारे में हमें उद्बोधन देने वाली हैं तो उनका अपना ही व्यक्तित्व तो इतना बड़ा है कि मैं थोड़ा सा उसको सारांश बना के उसको पढ़ूंगी कि शी इज बीन एसोसिएटेड विद रामकृष्ण मठ सिंस चाइल्डहुड शी केम इनटू कॉन्टैक्ट विद विवेकानंद केंद्र इन 1994 जॉइंड द ऑर्गेनाइजेशन एज अ जीवन रति इन 1996 सर्वड इन Arunachal Pradesh from 1996 to 2006. Then she has a contribution in Vivekanand Kendra Arun Jyoti, Vivekanand Kendra Institute of Culture, Arunachal Pradesh chapter. Then she has also served as secretary in Vivekanand Kendra Institute of Culture, Guwahati. And she has held additional responsibility during Swami Vivekanand's 150th birth anniversary. She is also joint coordinator at national level for Asmita and also coordinator for the celebration of undivided Andhra Pradesh on the behalf of Vivekanand Kendra. At present, she is Prant Sangathak Telugu Prant and also conducted yoga-based workshop in IIT Guwahati. She speaks in regional and national level program on topics related to culture, women, Swami Vivekananda, yoga, youth, Northeast India, work of Vivekanand Kendra in IIT Guwahati and Vivekanand Kendra. She has also presented many papers in seminars, one few to be noted like seminar on poet saints of India organized by Center for Creative Dialogue at Bhartiya Vidya Bhavan, Hyderabad in 1991. Then she has also organized, she was part by Bhartiya Vichar Manch, Ahmedabad 2019. She has many articles published and few of them are like Redefining Identity, published in Hindutva Present Context, Bhartiya Vichar Manch. Then the Vivekanand Kendra Work in Northeast India, a reverent tribute to Swami Vivekananda. Thank you so much, ma'am, for joining with us. Over to you, Anushka. Thank you so much, ma'am. Now I would like to call Sudha Tiwari, ma'am, President Shakti, to introduce us to Shakti. Over to you. No, Anushka, we will listen to our keynote speakers. Sujata Nayar ji. Nayar ji. Yes, ma'am. Over to you, ma'am. Sujata. Yeah. Am I audible? I'll just switch on my video. Namaste to everyone. I have a combination today. Probably even Sister Nivedita would have found this wonderful. I have a laptop where the video works and I have a laptop where the audio works. Thankfully, both complement each other and I think that is how Sister Nivedita had also wanted. We work complementing one another, but I think the host has not given permission for the okay the video yes hello I think the host needs to give permission for the video or what okay yeah So namaste to everyone and to the wonderful team at Sri Shakti.
Indraprastha, to the President, ma'am, to Ruby Sharma ji, to Rajiv Agarwal ji, of the principal, to Smita Sundaram ji, who has so painstakingly been coordinating this, Rita Bhattacharji Didi from Kolkata, who initiated this. I think it's Didi's great affection which she thinks that I'll be able to do something wonderful here. But honestly, I'm still studying Sister Nivedita. And every time I study, even a little bit, I'm so fascinated by the amount of work she has done. So without taking more of your time, I'll quickly go over into presentation mode. I have prepared for two kinds of audience, I understand. One is someone who is familiar with Sister Nivedita. The other who is slightly less familiar. So my first task then is to familiarize us a little bit for those of us who might not be actually very familiar. And then we go on to a little more of the detailed. This is a presentation I had made specifically for us today. Is this visible? Is the presentation visible? Yes, ma'am. It's clearly. Yes. Yeah. Yeah. So understanding Bharat through the eyes of a lioness. But mainly when I was talking about Nivedita, Sister Nivedita, especially during our 150th birth anniversary of Sister Nivedita in 2017-18 and all, I found that most places people were actually unfamiliar. They were somewhat familiar with Annie Besant. They're to some extent familiar with Mother Meera of Ma at Aurobindo. And yes, Mother Teresa. But there were other and several others who are great contributors. But this one woman who stands out, you know what Vivekananda called her? A real lioness. Tagore called her Lokamata because of the kind of work, the approach she had. Aurobindo called her Agni Shikha. Subramanya Bharati, who met her just for a few minutes and only once, was inspired to say, as a burning flame to the bondage of slavery exists, Mother Nivedita, at whose feet I bow in adoration. Subramanya Bharati took her as his guru. Netaji Subhash Chandra Bose, I learned to love India by reading Vivekananda, and I came to understand Vivekananda through Nivedita's writings. Who is this woman? Margaret Elizabeth Noble, and already a little bit brief has been given to us. So parents, Samuel Richmond Noble, Isabel Hamilton, her mother. She was born on 28 October 1867 at Dungannon, Tyrone Province, Northern Ireland. So early years, see, she shifted between England and Ireland, initially with her grandmother, grandparents, then later with her parents. Father was a pastor and she used to accompany her father. And whenever he would go and serve and all that, this among the three children that Richmond had, this one was the one who was clearly interested in serving. In fact, one person who called on them, the family, once remarked, okay, this one is going to be definitely a missionary and most probably she is going to far off lands like India or Africa. So this was when she was probably a 5 or 6 year old kid. Then as a student also, see that time English, education in England was really, really, really terrible. A whole lot of cramming and a whole lot of beating and a whole lot of punishment. But then Sister Nivedita had some kind of curiosity to know. Everything fascinated her. It could be plants, it could be insects, it could be this, it could be that. Okay, we also get fascinated. But her fascination was of a different kind. She would pursue it.
And because she would pursue it, she would just study, find out more and more. And that is how gradually we see that she knew a lot, much, much, much beyond what their academics prescribed. Barely was she 17, she had already become a teacher. You know, nowadays we say class 11, 12, you know, intermediate year. She was already a teacher when she was 17 years old. And then, by the time she was probably 23, she had already established her own school. When she was 21, another person offered her to come and take up her school and to teach there. So what made this one an educationist? She would study, and then because she would not only study, she would also reflect. And because she would reflect, she also came out with ideas of how education must be. And please believe me, England nowhere was near her ideas at that time. That is how it progressed. And then this, we have as a scientist, scientific contribution, we are going to look at it. As a scientist also, she had published papers, especially botany fascinated her a lot. She would draw diagrams, present it. By the time she was in her early 20s, she was already established as an intellectual. You see, England in 1890s was not very receptive to women. We must understand this part. In the 1890s, they were still struggling for voting rights. So can you imagine how England was? So at the most, women were known as great, very fashionable women. Ball dance ke liye jayenge, unko they will be received like this, all kinds of courtesy. Thoda bahut piyana bojayenge and thoda bahut discussion mein bhag lenge. But beyond that, nothing. But this one was very different. She had already begun writing on a whole lot of social and national and educational issues by the time she was in her 20s. And she was admitted in a club called Sesson Club, which had intellectuals of the stature of George Bernard Shaw. I hope this is a familiar name. If not, for those who have some background in English literature, he is a very well-known, renowned dramatist, playwright, writer. So Sesson Club had such intellectuals, and it was a literary club. But then there are certain things happened, and this one became a seeker. So you just see what it's as an intellectual, I'll give you just an understanding of just one set of papers that she's written. 1890s, as I said, there was a struggle for voting rights for women, women's suffrage. India, we never had any such, women never had to fight. 47 ke baad 51 jab aaya, voting rights were given to everyone, men and women. It's the civilizational impact. The civilizational impact in the West did not look at women as equal to men. It was just somewhere near animals. That's a different thing. We would be digressing. But this one, Margaret Noble, am I audible? Yes. Audible. Yeah. So sometimes she would use Margaret, sometimes she would use MN, sometimes vox incognito, money, the voice unknown. And then certain papers, she used the pen name An Old Woman. Why? So that they would take her thought seriously. So ये छह पेपर्स इसने, she was in her 20s when she wrote this. Six papers on women, their right to be beautiful. And इसमें क्या लिखा उसने कि ये जो विक्टोरियन ड्रेस है ना, you would have seen उस समय के dresses. I'm sure we can Google search later on Victorian style women's के dresses.
So there would be very tight fitting and fir us par layers and layers of lace and all and then flow. She said, aisa kapde pehenne se to you will end up damaging your liver. To fir tumhari ye outer beauty kya kaam ki if your health isn't any good. So this paper she writes, as an old woman she writes, their right to be beautiful. Then their right to serve. So she traces the history of women, roles women played in England. Alag-alag rajyon ke beech mein, alag-alag rules. And she traces ki us samay women ka position ye tha. Ye samay mein ek aisa, Queen Anne ke samay mein she was relegated to making pastries and cakes and wine. इसके आगे कुछ था नहीं कि when the Georges took over, by then printing press, ये newspapers, ये सारे शुरू हो गए. So there was a whole lot of opportunities that opened up. So she said they need to study, they need to know, and they should come out of their homesteads and थोड़ा एक step आगे अपने आजू बाजू गाँव में हो या छोटे शहरों में हो, they should take out time to serve. Is their right, she said. Then the right to choose house. Aur usme kya hai, England of those times, the house were extremely congested. Sunlight was not allowed, barely. Kyun? Sunlight aa jaane se dimag kharab ho jayega. So houses were really, really dark. You will not believe this, right? Huh? But it was like that. Huge buildings, thickly constructed walls, and barely any ventilation. She said this will not do. So women should think of that because they spend a lot of time at home. So achha ventilation wala ghar, it will affect their, not only their health, it will also affect their brain, she would say. Then aise hi their right to know. And here she said education, they have to study, and not just education jaisa what was being cramped, but science padhe, which is a very would be music to our ears, I guess. Science padhna chahiye, analyze karna chahiye, likhna chahiye, adhyayanshil bane, aise wali education. So this is the kind of reputation she had made. Then aise karte ke, then but there are certain ghatnaen hue, she became a seeker. One was she was was engaged. But then barely, even before they could get married, within a few months, that man passed away. It left her a deep imprint on her. Huh? Second incident that took place, this had taken place even back at home. It had taken place when she was in Manchester. Manchester, she was working there, and there she found, once she was going, Manchester was, you know, the cotton, a whole lot of villagers had come. Just apne paas Delhi mein bhi hota hai. Huh? आसपास के गांवों से व्यवसाय के लिए फॉर प्रोफेशन और फॉर वट एवर फिनेंशियली दे पीपल कम ओवर एंड माइग्रेट टू द सिटीज. तो मैनचेस्टर में जॉब्स अवेलेबल थे, कंडीशंस वर टेरिबल. एक छोटा सा बैडली वेंटिलेटेड रूम में 8-10-15 लोग रहते थे. फैक्ट्रीज भी इसी प्रकार के रहते थे. दे हैड टू वर्क अबाउट 18 समटाइम्स 19 और 20 आवर्स अ डे, और फिर दे वुड जस्ट गेट बेयरली इनफ टू सस्टेन देमसेल्व्स. तो ऐसा करने की वजह से हेल्थ वगैरह खराब होती थी. सो वंस शी फाउंड दैट वन अ फैक्ट्री वर्कर वाज सीरियसली इल, और इसके पास जैसे थोड़े पैसे थे, शी वेंट गोज टू गिव इट टू बाइस मेडिसिन फॉर दिस गाय. फिर देन शी कम्स अक्रॉस द पास्टर फ्रॉम हर ओन चर्च. ही सेज वेयर आर यू गोइंग. ही सेज वो फैक्ट्री वर्कर है ना, उसको बेचारा बहुत बीमार है, आई वॉन्ट टू गिव हिम सम मनी. He says, but he is not, he doesn't come to our church. He's from a different denomination. You know, churches have various denominations, right? So he's from a different denomination. So you should help only those from our denomination, not those. He said, are kya farak padta hai? It's a person, it's a human being who is ailing. I should go and hear. Pastor says, no, nothing doing. But anyway, Nivedita is again Nivedita, lioness. She goes ahead. But this makes her think. Ki, what is this? Is this religion or is this some kind of cover up for a power, a political kind of power? Wo seeking which starts in, and being that scientific bent of mind, she gradually starts reflecting on all kinds of aspects of the Bible. We will not go on it. Gradually, she has very serious doubts about its depth and its scientific truth. Phir, then she seeks. So then she, because printing media and all had come, she comes to Buddhism.
एंड शी फाइंड्स अ लॉट ऑफ आंसर्स टू हर, बट देन थोड़ा गैप फिर भी रहता है. And that they say when you are really sincere in your pursuit of knowledge, somewhere the turning point has to come, and it comes in 1895. She happens to meet Swami Vivekananda in her friend's house. Swamiji had completed, was already renowned for his Parliament of Chicago lectures, World Parliament of Religions ke. And there her friend Isabel invites her. Piche padke practically bulati hai. Initially, she is not very impressed. But then she goes back home and starts reflecting on what he has said. And gradually, she realizes that what he has said is something very remarkable. And it is this remarkable thing that makes her, jahan pe bhi Swami Vivekananda ka karyakram hota hai, jaise bhi karke, she is there. But net, she is not docile there. Huh? She has all kinds of questions. अरे ये स्वामी जी ने कुछ बोला और क्वेश्चन आंसर शुरू ओपन होता है तो यू कैन बेट ऑन इट कि निवेदिता विल हैव डाउट्स. और केवल पूछ के छोड़ेगी नहीं, शी विल परस्यू इट अंटिल शी इज क्लियर. शी फाइंड्स इट वेरी वेरी अमेजिंग दैट स्वामी जी नेवर गेट्स इरिटेटेड, नेवर वंस. ही इज काम, ही इज कंपोज्ड, ही लुक्स एट वॉट एवर शी लिसन्स टू हर केयरफुली, अप्रिशिएट्स द पॉइंट शी हैज, एंड देन सेज we approach this issue like this. ऐसे करते करते इनके जो discussion हो गया, gradually she realizes ki, and she says, the reason I've said headless torso, this is what she writes to her friend, ki 1895 में अगर स्वामी विवेकानंद मुझे मिलते नहीं, my life would have been like a headless torso, जैसा एक शरीर बिना, without the upper half, that's her the thing. And then, at one स्वामी जी का एक आह्वान रहता है कि किसी के पास इतना दम है क्या, इतना साहस कर सकता है क्या कि बोल सके कि ईश्वर छोड़ मेरे पास और कुछ नहीं, बस वही मेरा सब कुछ है. और यदि ये सत्य है कि ईश्वर ही हमारा सब कुछ है तो अन्य चीज से क्या मतलब, और यदि असत्य है तो फिर अन्य चीजों के पीछे भागने की आवश्यकता भी क्या है. That somehow touches her. Another time when he is being asked questions about India and he mentions a lot of things, then he says, ki India hai na, Bharat, the women of India are so great. We have produced Maitreyis, Gargis, ye sare kiye, mar aaj aise British ke patal ke biche hai, we have become such slaves, we are not able to produce such people. Someone has to go there and serve. कोई जाएगा क्या? और ये बोलती है कि स्वामी जी आई विल गो. स्वामी जी डज नॉट एनकरेज हर, रिमेंबर. ही टेल्स हर थ्री रीजंस व्हाई शी शुड नॉट कम. एक है शी इज हर सेल्फ अ ब्रिटिश सिटीजन, सो ब्रिटिश विल नॉट टेक इट काइंडली इफ शी सर्व्स इंडियंस. ओके, दे विल ट्रीट हर एज एंटी ब्रिटिश. सेकेंड, Indians will not trust her. क्यों? Mlech है. She's a foreigner. And they know only foreigners come here only to destroy and disturb. So, and she will be considered an untouchable. So, Indians will distance themselves. जिसको serve करने के लिए आ रही, वही उनके बीच में ही उसको acceptance नहीं रहेगा. And the third, the weather. इतनी ज़्यादा गर्मी. England is very, very cold. And India, and that time she was to come to Kolkata. Very hot, very humid. You'll find it very difficult. And we will not be able to give you any comfort here, which you are used to in England. Phir bhi tum agar aa jana chahogi, my this thing will be there. My support will be there. Aise Swamiji likhte hain. She comes. 1898, she arrives in Bharat. And then February mein, दक्षिणेश्वर और बेलूर मठ, दक्षिणेश्वर जो काली मंदिर है, बेलूर मठ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द रामकृष्ण मठ, फर्स्ट विजिट. इतने दिन क्या किया? स्वामी जी वॉज टेलिंग हर अबाउट द सोसाइटी, एक्लमेटाइजिंग हर, यानी पहुंची और उसका ट्रेनिंग शुरू हो जाता है. फेमिलियराइजिंग हर विद द लैंग्वेज, फेमिलियराइजिंग हर विद द वेज ऑफ पीपल, इंडियंस इन दैट पार्ट ऑफ बंगाल इन दोज डेज.
1898 11th मार्च को फर्स्ट पब्लिक स्पीच ऑलरेडी इसका शुरू भी हो जाता है ऑन काली द मदर. 17 मार्च 1898 दिस वाज अ हिस्टोरिक वन कि होली मदर श्री शारदा देवी जो स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस की अर्धांगिनी जिसको माँ शारदा करके बुलाते हैं. तो स्वामी जी विवेकानंद थिंग्स कि माँ शारदा इज एक्सट्रीमली ऑर्थोडॉक्स एंड ये रही पूरी वेस्ट से आई. विल शी एक्सेप्ट इफ माँ शारदा एक्सेप्ट सिस्टर निवेदिता अभी तक निवेदिता नहीं है मार्गरेट को देन द रेस्ट ऑफ इंडिया विल एक्सेप्ट. एंड जैसे ही माँ शारदा मार्गरेट को देखती है एकदम आलिंगन करती है अपना लेती है और उसको खुकी बुलाती है. खुकी माने इन बांग्ला इट मीन्स लिटिल डॉटर लिटिल चाइल्ड ऐसा बोलता है ना ऐसे. देन शी इज इनिशिएटेड इनटू ब्रह्मचर्य 1898 एंड दैट इज व्हेन शी इज गिवन द नेम निवेदिता द डेडिकेटेड वन. And we'll see in the days to come how she lived up to that name in every sense of the term. Abhi training jari ho jata hai. And how does Swami Vivekananda train? Two or three ways. One is daily iske jab yahan pe Kolkata mein Belur Math se thodi dur mein unko aur ek ek jo sister comes from abroad unka nivasthan rehta hai. एंड रेगुलरली स्वयं जाएंगे या तो कोई स्वामी जी या ब्रह्मचारी को एक तो बांग्ला सीखने के लिए थोड़ा बहुत यहाँ के वेज एंड मीन्स और संस्कृत वगैरह सिखाने का दैट वॉज वन. नेक्स्ट रेगुलरली इनके कुछ प्रश्न है तो उसको बताने का और लाइफ. नेक्स्ट कम्स लेकर जाते हैं ऑन अ टूर कहाँ कहाँ जाते हैं उत्तर भारत में ना पूरा बिहार सारा उस समय अपन बिहार वगैरह बोलते नहीं थे मगर अलग अलग ऐसे सारे जो व्हाट वी नाउ कॉल उत्तरांचल माने अल्मोड़ा ये सारे जगह राजस्थान पंजाब ये सब. और सब जगह स्वामी जी का जो स्टडी ऑफ हिस्ट्री वाज सो अमेजिंग वहाँ की ज्योग्राफी और वहाँ की हिस्ट्री इसकी कनेक्टिविटी वो ये सब बताते हुए एंड दिस वन टेक्स नोट्स ऑल द टाइम. जो भी स्वामी जी ने बताया जो भी उसने देखा उसको नोट्स लेने की एक गजब की एक आदत. साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन वेन वी कम टू दिस वील अंडरस्टैंड दिस बेटर. ओवरऑल शी अंडरस्टैंड्स वॉट वी मीन बाय धर्म एंड दैट एंड आज के दिन में धर्म मीन्स टू सर्व इंडिया. शी देन ओपन्स अ स्कूल बोसपाड़ा लेन 16 बोसपाड़ा लेन बोलते हैं वो जो फोटोग्राफ दिख रहा है उसका है. और उसका ट्रेनिंग अभी स्कूल शुरू करना तो दैट इज व्हाट वाज़ द फर्स्ट मैंडेट दैट स्वामी जी हैड गिवन हर गर्ल्स एंड विमेन. अभी स्कूल शुरू करना है तो नो वन इज विलिंग बिकॉज शी इज अ फॉरेनर लेज के पास कौन भेजेगा तो नहीं भेजेगा. तो घर घर जाना कभी कभी तो किसी के पैर पड़ जाएगी और लोग जो डर ही जाते थे क्यों बिकॉज शी इज अ ब्रिटिश सिटीजन. तो कल अगर कुछ प्रोटेस्ट हो जाता है तो बड़ा तकलीफ हो जाएगा. बट देन ऐसे एक एक को जाकर फिर विडोज ऐसा कन्विंस करके थोड़े बच्चों को लड़कियों को वो लाती है और वो स्कूल शुरू हो जाता है विच माँ शारदा देवी इनॉग्रेट्स. हाउ शी ट्रेन द चिल्ड्रन वो समथिंग फैसिनेटिंग. एक तो शी हैज लास्ट फ्यू मंथ्स क्लोजली ऑब्जर्व बंगाली हाउस होल्ड्स हाउ द हिंदूज लिव देयर वे ऑफ लाइफ विमेन का क्या रोल रहता है घर में तो वो देखती है और वो सारे चीज जो उनको घर में सीखना होता है या एक्सपेक्टेशन फ्रॉम विमेन शी ट्रेन्स देम इन द स्कूल. एम्ब्रॉयडरी होगा पेंटिंग होगा आर्ट वर्क होगा एंड चिल्ड्रन मेक दोस ये लड़कियाँ बनाती हैं घर जाती है रहता है उनको संस्कृत के श्लोक सिखाना वगैरह. देयर आर वंस व्हाट हैपेंस अ ग्रैंडमदर कम्स शी इज पासिंग बाय द स्कूल एंड शी हियर्स दीज गर्ल्स चैंटिंग इन फ्लॉलेस संस्कृत. फिर आप कितने महीने इससे निवेदिता ने उनके पीछे पड़े थे कि अपनी नातिनी को भेजे शी डज नॉट सेंड बट देन व्हेन शी हियर्स द चैंटिंग शी गोज एंड ऑर्डर्स हर सन. कल ही जाकर वो निवेदिता के स्कूल में उसको जाके हॉकी को जाकर भर्ती कराओ ऐसे. फिर अभी कैसे ट्रेन करती है दिस इज देन साइंस एंड हिस्ट्री. हिस्ट्री टीचिंग गोज विद ज्योग्राफी शी सेज ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री आर ऑलवेज लिंक्ड सो शी टीचेस इन दैट.
एंड वंस व्हाट हैपेंस कि शी आस्क्स कि इंडिया की रानी कौन है, बच्चे बोलते हैं इट इज क्वीन विक्टोरिया. विक्टोरिया शी इज एंग्री, हाउ कैन इट बी क्वीन विक्टोरिया. सीता इज योर क्वीन. विक्टोरिया तो यूके की रानी है, ब्रिटेन की रानी है, आपकी रानी कहां से हुई? हमारी रानी सीता है. और क्यों सीता है? सो फिर सीता मैया की कहानी सुनाएगी इतने अच्छे से सुनाएगी, देन द गर्ल्स आर कन्विंस. फिर पूछेगी अब बताओ कौन है रानी, वो बोलेंगे सीता. फिर एक दिन देखती है कि देर आर सर्टन, जब उनके लाइब्रेरी के बुक्स वगैरह क्लीन कर रहे होते हैं, दे फाइंड दैट देर आर सम वर्म्स देयर. इमीडिएटली शी आस्क्स कि इसको मार दो, कुचल दो. तो बच्चे बोलते हैं कि ये तो छोटे छोटे इंसेक्ट है ना, अहिंसा. शी सेज नहीं नहीं, ये अहिंसा का काम नहीं है, ये अगर तुम इसको छोड़ दोगे तो ये सारा लाइब्रेरी सत्यानाश करोगे. ऐसे ही भारत के अगेंस्ट कोई भी कुछ भी बोलता है या कुछ भी करता है, तुमने उनको ऐसे ही कुचलना है. नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ शी ट्रेन्स, नो कॉम्प्रोमाइज. देन हाउ टीचिंग ऑफ हिस्ट्री, पूरे जितने उसको पोस्ट कार्ड्स मिलते हैं वो सारे लाएगी, सारे डिस्क्रिप्शंस देगी, स्टोरीज बताएगी. सो ग्रेजुअली द स्टोरी गोज डीपली इनसाइड. तो ऐसे अलग 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 तरह से शी द एजुकेशन इज एंड ग्रेजुअली द नंबर्स ग्रो. इस बीच में स्वामी जी का महासमाधि हो जाता है एंड आफ्टर 1902-1903 ग्रेजुअली शी ऑल्सो गेट्स इन्वॉल्व इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट. इट इज नॉट शी, बहुत लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स में गई, शी डिडंट गो इनटू पॉलिटिक्स. शी रियलाइज दैट फॉर धर्म टू बी री एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, ये ब्रिटिश को उखाड़ फेंकना ही चाहिए. तो उसके लिए उसके एफर्ट्स थे एंड ऑन दैट डिजाइन दैट वी हैव देयर, दैट वॉज द फ्लैग शी हैड मेड. शक्ति का रंग शी सेड इज दैट. और फिर हल्दी, टर्मरिक, both these colors she had observed was very sacred in India, so both these colors she used. Then और उसमें वंदे मातरम और भी उसने कुछ डिज़ाइन किए थे, यानी ये फाइनल करने से पहले कुछ अन्य डिज़ाइन किए. एंड यू वुड बी ग्लैड टू नो कि जो आज परमवीर चक्र का अपना डिज़ाइन है वॉज फर्स्ट इनिशियली मेड बाई सिस्टर निवेदिता. दो क्रेडिट इज नॉट गिवन टू हर, you can check the photograph she had made designs and you will realize that paramveer chakra ka design to isi se aaya hoga. aur ye kyon banati hai, wo vajra ka symbol hai. vajra kyon? kyunki ek rishi dadichi ne apna jeevan tyag diya so that the thunderbolt could be made. she says india's life is like that, tyag aur seva ka prateek vajra hai and that's why it has to be the national symbol. And then she comes into touch with Aurobindo Ghosh. Anushilan Samiti was the training ground for the anti-British movement. Mane revolutionaries ka training, full-fledged revolutionary training mein jati hai. And then also takes up writing. Beech-beech mein jab police chhapa maarti thi aur bahut sare revolutionaries ko ya to gherao karti thi ya imprison karte the ya maar deti thi. So she would also have to do a whole lot of other things. And in this context, I would like to mention a point which is normally bahut zara messy ho jata hai. They say that Ramakrishna Math asked her after Swamiji's passing away, Mahasamadhi, Ramakrishna Math removed her from the Math. She was there in the managing committee because she had participated in the freedom struggle. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. इट वॉज अ रामकृष्ण मठ आफ्टर विवेकानंद पास्ट वॉज इन टू वेरी चैलेंजिंग टाइम्स और ब्रिटिश का एटीट्यूड ब्रिटिश वॉज जस्ट वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू क्लोज डाउन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. स्वामी जी वॉज नॉट देयर, विवेकानंद वॉज नॉट देयर एंड एट दैट टाइम ब्रिटिश के आंखों में धूल झोंकने के लिए they decided on this strategy ki she will come out of the organization and
say ki because she wants to work to for this movement, she will no longer be part of the MUT. This, it was a strategy, we must remember. How do we know it is a strategy? बाद में बहुत सारे उसने जो लेटर्स उसके मिले इंग्लैंड में, लंदन में उसके दोस्तों को या अमेरिका में उसके दोस्तों को, जोसेफ एंड मैक्लियोड वगैरह को लिखे वाले, शी मेंशंस अ काइंड ऑफ हेल्प रामकृष्ण मठ कंटिन्यू टू गिव टू हर स्कूल चलाने के लिए. फिर ये जब अनुशीलन समिति के कभी कभी सम ऑफ द रेवोल्यूशनरीज हैड टू गो अंडरग्राउंड, उनके फैमिलीज के देखरेख के लिए मनी वुड बी गिवन बाय रामकृष्ण मठ के स्वामी जी, कभी कभी उनको छुपने की जगह, ऑल दिस वी मस्ट अंडरस्टैंड. So, and then her writings, in fact, her writings were so good that even Aurobindo, when he had to go somewhere, he would ask her to take over the editorship of Karma Yogin Vagra. Itne brilliant. So this we will not go right now into. We will just take a break and go on to our actual, jo aaj ka apna topic hai. So we have looked at partly this, but our topic is a scientific contribution. We scientific bolne se apne paas we have both gyan and vigyan, and these together mean just not only knowledge but something that will help us build our understanding, intelligence, and we gradually go towards gyan, wisdom. Visheshena gnana is vigyan. And overall, we go towards moksha. So, fir wo science. This is how our knowledge system proceeds. But then, sometimes, nowadays, I was wondering whether we must be aware of the overuse of the word scientific. With due respect to our forum, because a lot of times in our daily lives, nowadays, there is an effort to prove everything is scientific. But there are certain things which go beyond the dimensions of science as we know today. Ki aaj hamare instruments are unable to measure that experience doesn't mean that way of life is unscientific. That's why I feel thoda sa dhyan is par humne dena chahiye. Kabhi jab science and scientific, what does Nivedita say about this? Ki this is the value of science, that it analyzes a fact, displays a secret of power. But what should actually science do? She says it. It enables man to formulate new methods for arriving at the old result. And what should the end point of science and be? The sense of unity can only occur as a spiritual reaction on the mind against the manifoldness. It's called footfalls of Indian history. She defines this. We'll come back to this later. Then her contribution, scientific contribution for social transformation. So transformation jab bolte hain to it is parivartan. Parivartan does not mean mere change. Pari in this thing means ek roundabout ho sakta hai, jaise parivrajak, jisne pura round liya hai, ghuma hai. So pari means wo. It also means come back to the starting point. It also means going to the in the opposite direction. It also means a transformation. So, abhi, to understand her contribution, let us just look at the mess around the time she started. So, British ke time mein, just look at this. So, British had already started Indology or Anthropology. European instruments of study were this. One was Indology and other was Anthropology. It was to comprehend India from a non-Indian perspective. Now, you see, I had already told you ki she had written 6 papers on women. Aaj ke din mein, apne researchers, aise 6 papers ko ek foreigner likhta aur phir Bharat aa jata, so what does he or she do? They will look at India again from the same lens. But this was where Nivedita differed. She would not look at India from the Western comparison. You know, just West ke eyes se nahi, she would try to understand India from India's perspective. That is how, why she started undoing the mess that the British had initiated through Indology as well as Anthropology. Then, aise through this kind of scientific method, yani if you look at her writings, you will, jahan pe bhi jayegi,
She will go study the place, study the geography. I'll give you one very small example. She went to Rajgir. Rajgriha, malum hai? Hai na? Yes? Kya tha? Okay. हाँ जा गौतम बुद्ध जी का इट इज उनके साथ जुड़ा हुआ स्थान तो नाउ शी फाइंड्स दैट इट इज ऑल डिलैपिडेटेड ओके देन एक दिन शी इज जस्ट ऑब्जर्विंग शी साइन उनका जो निवास था इट वाज स्लाइटली अटॉप द हिल एंड शी फाइंड्स दैट फार अवे कुछ क्रिमेशन इज टेकिंग प्लेस सो फ्रॉम अ हिल इफ यू आर लुकिंग डाउन एंड यू आर एबल टू सी माने इट मस्ट बी एटलीस्ट एक 8-10 किलोमीटर होगा किंतु शी सेज कि अरे गाँव तो इतने पास में है किंतु ये लोग इतने दूर क्यों जा रहे हैं नाउ दिस इज द साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड एट लुकिंग एट एवरीथिंग शी स्टडीज एंड देन शी रिफ्लेक्ट्स एंड देन शी रियलाइजेस कि अरे गांव तो शायद आज यहाँ पास में है हो सकता है उस समय उनके एंसेस्टर्स का गांव वो जहाँ क्रिमेशन ग्राउंड के आसपास ही था होगा And on that hunch, she goes and examines the place in and around and believe it or not, she finds a stupa, she finds yane pure forest, shrubs ke andar dhakke huye, purane purane, yane 2500 year old minimum, yane Buddha ke samay ke walls and all that. That's why she says, our history is not dead. It lives in us. History is only character writ large. Character is history in brief. This was her conviction, mind you. She says, हमारे अंदर है ना गुरु गोविंद सिंह का the DNA is there in us. पद्मा शिवाजी का होगा मराठे के एक महाराठा के अंदर शिवाजी का अंदर होगा हर एक के रग में उस जगह का इतिहास दौड़ता होगा टुडे वी कॉल इट DNA. She says, history is dynamic. All we need to do is understand our history, study it deeply, and then recover that heritage, that legacy, then you'll make history dynamic. You get the connection? Why I'm telling you about social transformation, scientific contribution, hum bolte hain, to iska har cheez mein, ek jagah wo jaati hai kahan, I think Gaya. She goes to Gaya, goes to the villages in around, theek hai, stupa sab to dekhti hai, phir gaon jaati hai. गांव जाकर एक 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 वहाँ जो कारीगर रहते हैं उनके घरों में घुसती है माने पूछ के ही घुसती है जाती है और फिर पूछती है कि ये क्या चीज़ है वो क्या चीज़ है वो बोलते हैं ये तो इसमें तो हम चटनी बनाते हैं वो तो एंड देन शी इज अमेज्ड एंड शी यू नो व्हाट शी राइट्स आई हैव सीन वहाँ पे उनके म्यूजियम में लगा हुआ एंटीक्स और ये इनके कारीगर के घर में रखा हुआ चटनी पीसने का वो है ना अपने पास चटनी दाना छोटा वाला पत्थर यूज करते हैं She says the carving and all are the same. What does it show? कि हजारों साल से हमारी आर्ट की होगी करने की क्राफ्ट की कंटिन्यूटी होगी सामान बनाने के तरीके होंगे have come to us from generations. It is getting past. How can you say India का अपने लाइफ को हिस्ट्री के साथ कनेक्शन ही नहीं है She says British have no sense of history. Next, another contribution. Why I'm talking about social transformation. Yani, bhasha makes a very important contribution. I'll tell you a few years ago, because it's a slightly painful this thing for me, what I saw. It was in Delhi. And you know, before I joined Vivekananda Kendra, I worked as a college. I used to teach English. So one of my students happened to be settled in Delhi. So I was probably meeting her after 10, 15, 20 years. And this one, she was married. They have a daughter. And now husband happens to be, ma is Tamilian and father Punjabi or something. This one herself, Hindi bhashi hai. So I was nahi, kid knows only one language aram se, and it is English. I asked this girl कि अरे बाबा कि इसको तो आराम से तीन चार भाषा आ जाना चाहिए था in your place. She said no, ma'am. Here you know what happens. See mind you, both of them are engineers and then IIM Ahmedabad से MBA किए वाले and plush jobs. She says
कि व्हेन वी वेंट टू एडमिट हर वी शिफ्टेड फ्रॉम बॉम्बे एंड व्हेन वी केम हियर एंड वांटेड टू एडमिट देन देन वी दो दिन के अंदर हमको स्कूल से प्रिंसिपल सेड कि आइदर यू टीच दिस गर्ल इंग्लिश और विड्रॉ हर फ्रॉम आवर स्कूल. अभी इनको आश्चर्य हो गया कि हिंदी अरे अरे नेशनल लैंग्वेज है, सीखने में क्या दिक्कत है. दे सेड नो नो आवर्स इज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड ऑल द पेरेंट्स हियर वांट देयर चिल्ड्रन टू लर्न ओनली इंग्लिश. सो दे विल स्पीक इन इंग्लिश, दे विल लाफ इन इंग्लिश, एवरीथिंग हैज टू बी इंग्लिश, नो वर्ड ऑफ हिंदी इज अलाउड इन द स्कूल. एंड बिकॉज ऑफ दिस गर्ल नाउ अदर्स हैव बिगन टू स्पीक हिंदी एंड सो अदर पेरेंट्स हैव स्टार्टेड टू कंप्लेन. तो या तो आप इंग्लिश सिखाओ अपने बेटी को या उसको विड्रॉ करो. एंड यू नो व्हाट अमेजिंगली आई सेड यू शुड हैव हैड द गट्स टू रिमूव दैट किड फ्रॉम योर फ्रॉम दैट स्कूल. शी सेड नो मैम यहाँ एडमिशन मिलना इतना मुश्किल है. तो हम लोगों ने ऐसे किया तो लड़की के पास एक बेटी, इतनी छोटी बिटिया, इतनी प्यारी बिटिया, जस्ट अ 4-year-old किड नाउ हैज टू लर्न ओनली एंड ओनली इंग्लिश. यू जस्ट सी हाउ psychologically that kid must have been pressurized. क्योंकि 3-4 साल जो भाषा में मातृभाषा में बात चल रही थी घर में, आज पूरे the entire खानदान has to speak only in English in front of this kid. Even the जो domestic help comes, she has to also converse. She has been given enough English. Why this is important? She Nivedita remarks. No other single factor will does so much to determine the nature of a people as their own speech. आज हम national education policy में mother tongue का influence बोलते हैं. Rabindranath Tagore actually had asked Nivedita to come and teach his niece or daughter or granddaughter अंग्रेजी सिखाने के लिए. And he had seen that a lot of missionaries go to such homes and teach English. Nivedita तो भड़क गई, बोले बिल्कुल ही नहीं सिखाऊंगी. तो Tagore बोले क्यों? She said कि वो इंग्लिश तो कहीं भी सीख लेगी मगर ये उम्र में अपनी मातृभाषा अगर पक्की हो जाएगी उसको शी विल बी रूटेड एंड कनेक्टेड टू दिस लैंड एंड इट्स पीपल. अदरवाइज हर ओन पीपल विल बिकम फॉरेन टू हर एंड फॉरेनर्स विल बिकम हर ओन. साइकोलॉजिकली दैट इज द इम्पैक्ट, इट्स वेरी डिविसिव. तो शी सेज वैसे ही एज लैंग्वेज लिटरेचर. As the language holds the soul of the nation, so in like fashion, its literature holds the soul of the language. Each of the national factors wins recognition and immortality from the whole by its power to contribute ideas, character, and forms of beauty to this, the dream world of the race. Now, if many of here who are either in the teaching field, many of us who might be also students, would recognize that a lot of times we are puzzled by a whole lot of things from our own tradition. Why have we got so alienated? Na language, na literature. And she is telling this in around 1903-1904 mein wo likh rahi bhasha ki importance. Another, so because of which the national schools jo us samay shuru kiye, Aurobindo and all, you would know that was directly because of Nivedita's influence. ऐसे ही रिसर्च. शी सेज द डीपर आवर एंक्वायरी गोज द मोर इफेक्टिवली शैल वी रियलाइज द ओवरवेलमिंग ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट दैट अमिस्ट ऑल हर सीमिंग कॉम्प्लेक्सिटी इंडिया इज वन एंड द इंडियन पीपल अ सिंगल यूनाइटेड नेशनैलिटी. एनी काइंड ऑफ रिसर्च यू डू, हर आइडिया वॉज कि रिसर्च के पीछे इज टू द पर्पज ऑफ रिसर्च शुड बी टू फाइंड यूनिटी, not to create more and more divisiveness but to find unity. Her works also and her training. Apart from this, before we go to this road ahead, she at that time had said India is actually unity. We will come to that a little later. She her in terms of science also not only had she डन अ लॉट ऑफ रिसर्च हर सेल्फ. उस समय जगदीश चंद्र बोस भी बसु का भी बहुत प्रयास चल रहा था एंड द ब्रिटिश सारा प्रयास उनका उसको कुचल देने में था. सो एंड दे वर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली मीन. सो दिस वन गोज अब्रॉड एंड देन स्टार्ट्स राइटिंग एंड लिंकिंग एंड गेटिंग इन्विटेशंस फॉर जगदीश बोस टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेस अब्रॉड. अ लॉट ऑफ टाइम्स द पोस्टल डिपार्टमेंट्स इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश
letters will never reach him, or papers that he has sent for publication would not go. Nivedita kya karti? Lioness mane aise. Postal department mein sampark shuru kar deti hai. And then she finds out a way. She sends general letters to her friends. और लेटर्स के साथ बोस के आर्टिकल्स भेजने को शुरू करती है एंड फ्रॉम अब्रॉड दे सेंड इट टू हुएवर इट नीड्स टू बी सेंड दिस इज दैट इज हाउ द रिकग्निशन फॉर बोस कम्स एज अ साइंटिस्ट इन एडिशन टू दैट सारे उनके जितने भी उनके रिसर्च थे शी फाइंड्स दैट जो मेथोडोलॉजी से उन्होंने स्टडी किया पेपर प्रेजेंट करने का ढंग नहीं था तो उसका पूरा एडिटिंग कर रही है नाउ यू जस्ट इमेजिन दिस वुमन्स रूटीन डेली रूटीन एक तरफ स्कूल चला रही है शी हैज नॉट गिवन दैट अप टोटली देन महिलाओं के बीच में काम कर रही है धीरे धीरे शी विंस देयर कॉन्फिडेंस एंड ग्रेजुअली ब्रिंग्स देम देन इंडियन इंटेलेक्चुअल्स को फिर समझ सिखा रही है ना टू लुक एट इंडिया एज इंडिया इंडियंस नॉट फ्रॉम द ब्रिटिश पर्सपेक्टिव फिर फ्रीडम मूवमेंट के लिए ट्रेनिंग के लिए उनके लिए डोनेशंस कलेक्ट करना उनको जाना फिर उसके अलावा फिर जगदीश चंद्र बोस के राइटिंग्स को एडिट करना पब्लिश करवाना इसके अलावा सो ऑल दिस थिंग्स एंड हर ओन रिसर्च हर ओन राइटिंग्स ऑल दिस यू जस्ट इमेजिन हाउ मच शी वाज पैकिंग इन अ डे एंड हाउ मेनी इयर्स टोटल शायद 1898 में आई टू 1911 में चल बसी बीच में टू इयर्स शी वाज अब्रॉड हाउ मच डज दैट मेक 10 years mein itna contribution she passes away at when she was just 43 years old what is at stake why sister Nivedita's scientific contribution why her is so important because it is a matter of civilizational approach and civilizational continuity aaj ke din mein many of us might not know about this resolution that the united nations had passed in 1951 And believe me, after 51, Indian government and Indian researchers, Indian educationists, journalists, literary figures went aboard trying to please the United Nations resolution in the keeping. There's a sense in which rapid economic progress is impossible without painful adjustments. Ancient philosophies have to be scrapped. All social institutions have to disintegrate, bonds of caste, creed and race have to burst, and large numbers of persons who cannot keep up with progress have to have their expectations of a comfortable life frustrated. United Nations passed this resolution and the money from IMF, in International Monetary Fund hoga ya World Bank was given research ke liye hoga Ford Foundation se jo paisa aata tha ya any anya jo अब्रॉड के एनजीओ से ऑर्गेनाइजेशन से या हार्वर्ड जैसे स्कॉलरशिप्स होते थे फुल ब्राइट एंड ऑल दैट वॉज गिवन ओनली टू प्रूव दैट इंडियन ट्रेडिशंस इंडियन नॉलेज सिस्टम्स इंडियन साइंटिफिक सिस्टम्स इंडियन लैंग्वेजेस इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशंस वर ऑल बकवास ये डिसइंटीग्रेट होगा तो ही देन यू कैन डेवलप एंड यू फाइंड फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड्स A whole lot of research that went in. फिर research करेंगे and then seminars करेंगे resolutions pass होगा government of India takes it up as policy. Many of you would know how this chakkar works. We have paid a very very heavy price for this. At such a time, she says what the solution should be कि India should focus on its unity. जितना भी बाहर के विदेशी ताकत या Indians who have sold their minds to systems abroad, they have to work to find the unity within herself. Ye bahar, British did not give us any unity. This unity has been there for us centuries. Kuchhi gives a very, very simple example and I'll cite it to you. She says, practically all language groups might have their own हो दीपावली हो होली हो पूरे देश भर में एक ही समय कैसा होता है Doesn't that tell, मैंने लुक एट द वे शी यूज्ड टू अप्रोच एवरी इश्यू
देखने का जो उसका नजर रहता था एंड देन हर एक्सपेक्टेशंस वर वेरी हाई फ्रॉम विमेन. शी वुड से कि व्हाई डू यू थिंक यू आर वर्थलेस, व्हाट इज द टाइप ऑफ वुमन यू एडमायर, यू वांट रिसोर्सफुल विमेन देन who are fit for women of moments of crisis. She says, you have Padmini of Chittor, you have Chand Bibi, you have Jhansi Rani. Do you want a saintly woman, a poet, mystic? Mirabai nahi hai kya apne paas? Then do you want a queen, a great one who is a great administrator? Rani Bhavani hai, Ahalya Bai hai, Janabi of Maiman Singh hai, ye sare log hai, ye sare hai, to kya kam hai? Maiman Singh is now what we call Bangladesh. We might not have heard of Janabi, but she knew about Janabi. Then, do you want women who are great wives? Then, what about Sati Savitri? What about Sita? Do you want one who are great maidens? Uma, hai na, jo baat mein apan Parvati bolte hain. Yahan pe hamare paas Uma Didi hai, hai na? So, such great women, then why do you think you are any less? That was her question. Then, but she said, women must be made efficient. She said, Sita and Savitri were great women, but do you know certain things? And when she pointed out, I began reflecting on it, honestly. She said, we know only that they are great wives. But then, do we know the amount of skills that they had? And then actually I started looking up. Now Draupadi, she was trained in the art of anvikshiki, strategic thinking. She knew how to maintain accounts. She knew how to, she was an excellent administrator. Rani thi, unke mahal mein 10,000 Indraprastha. So 10,000 women were employed. And you know, she knew the names of all the 10,000. She knew unke family ka condition kya tha, ghar mein kab kaun sa dikkat hai, uske liye kya nivaran karna chahiye, who should make arrangements. Aur phir yagnya vagara hote hain to sare jo guests ko receive karna, unke vyavasthaon ko dekhna, iske addition mein strategic thinking, yani how to plan for war, how to plan for administration, ye sara Pandavas ko guidance would be given by Draupadi. Ye after sister Nivedita says ki they were not just great queens, beautiful people who would just be happily dressing up. Nahi. These people were extremely skilled people. So, and great human beings. And you know, and why were they able to do this? Unka womanhood, streetva jo hum bolte hain, उसके प्रति उनका गौरव था. दैट इज द आइडियल. दैट इज हाउ शी सेज कि इंडिया टुडे द विमेन हैव अ ग्रेट रोल टू प्ले. शी सेज कि द ग्रेट मदर इंडिया इज वेटिंग फॉर द हर डॉटर्स टू गिव हर द ग्रेट आरती. व्हाट इज द ग्रेट आरती? द ग्रेट आरती ऑफ नेशनैलिटी. That फिर सारे देश को इस तरह से फिर से उजागर करे. और ये तो केवल और केवल ही महिलाएं ही कर सकती है. But it cannot come by merely aping the West. हमने अपने we have to go back to our history, go back to our roots, and from there seek solutions for our present condition. We say, and that is her daily aspiration. I believe that India is one, indissoluble, indivisible. National unity is built on the common home, the common interest, and the common love. I believe that the strength which spoke in the Vedas and the Upanishads, in the making of religion and empires, in the learning of scholars and the meditation of saints, is born once more, and its name today is nationality. I believe that the present of India is deep-rooted in her past, and that before her shines a glorious future. O nationality, come thou to me as joy or sorrow, as honor or as shame. Make me thine own. You see, jabhi bhi hum kuch samajik ya
राष्ट्रीय कार्य में हम जब एकदम सजगता से और पूरे निष्ठा से जुड़ जाते हैं, जॉय एंड सॉरो विल डेफिनेटली बी देयर. देयर विल बी ऑनर, देयर विल बी डिसऑनर, देयर विल बी इंसल्ट, देयर विल बी एप्रिसिएशन, ऑल काइंड ऑफ थिंग. शी सेज, ओ नेशनल, ऑल दीज, दिस जॉय, दिस सॉरो, दिस ऑनर, ऑल दिस इज आर ऑल द फॉर्म्स ऑफ नेशनैलिटी. माँ भारती का ये तो प्रसाद है, ये प्रसाद मैं, मुझे स्वीकार है, मुझे केवल अपना बना लो. दिस शी सेज शुड बी द एस्पिरेशन ऑफ ईच इंडियन. देयरफॉर फॉर दिस परिवर्तन, चरैवेति चरैवेति. इस साल ऑल्सो कोइंसिडेंटली हैपन्स टू बी द 50 ईयर्स ऑफ द विवेकानंद रॉक मेमोरियल एट कन्याकुमारी. निवेदिता स्वामी जी प्रेयर एंड मेडिटेशन देयर वॉज फॉर एक भारत विजयी भारत. माने नॉट जस्ट यूनिटी यूनिटी का बात करने का नहीं, बट फाइंडिंग आउट हाउ वी हैव सो मेनी थिंग्स इन कॉमन एंड वेन वी ओवरकम दीज डिफरेंसेज और रादर एप्रिशिएट आर डिफरेंसेज बट कम टूगेदर ऑन द कॉमन बेसिस दैट बाइंड्स अस, then Bharat will certainly be Vijayi. That was the swapna that he saw sitting in Kanyakumari. That was a training he gave Sister Nivedita. Ki she takes his words forward. Wo jo unka soch tha, she would take it forward. Ye ek Bharat, Vijayi Bharat. Is sankalp ke saath, Bharat Mata ki jai. May Mother, Ma Bharati bless us all. Thank you for this opportunity. Gyan aur seva ka prateek vajra hai. Sometimes the simplest things mean the most. I found every part of ma'am's speech wonderful and motivational. Thank you so much, ma'am. Now, I would like to call Sudha Tiwari ma'am, President Shakti, to introduce us to Shakti. Over to you, ma'am. सुधा जी को अनम्यूट करना. माता जी का इतना अच्छा महत्वपूर्ण विषय था कि हम सब उसी में खो गए थे, खो से गए थे. सुधा जी को अनम्यूट करना. मोनिका एंड आई एम सॉरी फॉर टेकिंग मोर टाइम. दीदी को अनम्यूट करना. सुजाता जी ने, हाँ दीदी आ गई. हाँ या थैंक यू वेरी मच. माननीय सुजाता नायक जी, ओंकार राय जी, राकेश अग्रवाल जी, उमा कुमार जी और मेरी सारी शक्ति की बहनें, बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुजाता जी ने जो हमें, निवेदिता जी का इतना बढ़िया बोधन था उनका और हमें जो इंस्पायरिंग स्टोरी उनके बारे में हमें बताई, बहुत ही अच्छा लगा. कहते हैं ना कि जो महान व्यक्ति हो गए हैं उनके कदमों के निशान मिट चल रहे हैं. वो इसलिए मिट चले हैं क्योंकि हमने उन पे चलना ही छोड़ दिया है. तो इस स्टोरी से इंस्पायर हो के हम अगर शक्ति के कार्य में हम आगे बढ़े तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही अच्छी सच्ची श्रद्धांजलि और उनको याद करना होगा. आज का जो विषय है ये शक्ति का एक इंट्रोडक्शन कहिए, और शक्ति
जो देश के प्रगति के क्या शक्ति अपना योगदान दे सकती है, वो एक विषय पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि 2012 में शक्ति की राष्ट्रीय टीम का गठन हुआ और उसके बाद से शक्ति का बहुत सारे स्टेट्स में हम शक्ति को अभी प्रस्थापित कर पाए हैं और जल्दी ही हम पूरे देश में शक्ति को स्थापित करने की हम प्रयास में लगे हुए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शक्ति का मेन उद्देश्य जो है वो साइंस एंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहायता से महिलाओं को किस तरीके से हम सबल बना सकते हैं, और इसके साथ ही एक अर्धनारीश्वर का कंसेप्ट भी हमारा है कि हमें पुरुषों के साथ में किसी प्रकार की कोई कोई बराबरी या कोई किसी प्रकार का हम उनके साथ में अधिकारों की लड़ाई ना लड़ते हुए हम उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हम चलना चाहते हैं। शक्ति का योगदान जो है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम 50% आज देश के पॉपुलेशन में हमारा 50% हम हैं, तो कोई भी देश प्रगति के लिए या देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी सरकार की पॉलिसी हो या कोई भी सामाजिक पॉलिसी हो, उसमें जब तक महिलाओं का योगदान नहीं रहेगा, मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरह से सफल हो पाएगी। ये एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सेंटेंस है, क्योंकि हम 50% हैं, लेकिन सच्चाई थोड़ी सी डिफरेंट है इससे। जैसा कि अभी हम जानते हैं, अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ही बात कर लें, तो ये एक फैक्ट है कि अगर आप पीएचडी होल्डर्स देखेंगे तो उसमें 30% महिलाएं हैं, लेकिन अगर आप साइंस का वर्कफोर्स देखेंगे तो उसमें सिर्फ 15 से 16% ही महिलाएं हैं। और अगर आप इस वर्कफोर्स को थोड़ा सा सीनियर लेवल पे ले चले जाए, जैसे किसी इंस्टीट्यूट के हेड्स का आप ध्यान रखें, ये परसेंटेज अगर आप देखें तो वो बहुत ही कम है, 2 से 3% ही है। इसका कारण हम लोगों ने चर्चा भी किया हुआ है इसका कारण, और हम लोगों ने इसके ऊपर अपने रिकमेंडेशंस भी एसटीआई पॉलिसी में भेजे हुए हैं। तो इसका कारण कई कारण है कि भाई महिलाओं का जो शादी है, बच्चे हैं, उसका जो करियर ब्रेक होता है, उसके बाद में अगर वो रिजॉइन करती है तो देन शी डेफिनेटली शी लीव्स बिहाइंड। तो ये सारी जो चीजें हैं इसके ऊपर सरकार भी बहुत सी पॉलिसी बना रही है। हमारा ये कार्य है, शक्ति का ये कार्य है कि हम ये जो पार्टिसिपेशन कम हो रहा है और ये जो पार्टिसिपेशन हमें दिख रहा है कि कम है, तो हम इसको किस तरीके से हम इसको बढ़ाएं। जैसे कि बहुत सारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स भी बनाई हुई है कि जो कैरियर ब्रेक होता है उसके बाद में अगर कोई महिला रिज्वाइन करना चाहती है तो उसे किस तरीके से हम उसको इंक्लूड किया जाए, तो ये पॉलिसी। लेकिन ऐसा है कि इन स्कीमों के बारे में जानकारी की अभाव हमने देखा हुआ है, तो ये जानकारी का अभाव जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा हम मिटा सकते हैं। और ऐसे कई हम प्रोग्राम्स करते आए हैं कि हम इनकी पॉलिसीज के बारे में हम बताएं, और जो यंग जनरेशन है उसको हम साइंटिफिक लेवल पे साइंस में हम किस तरीके से उनको आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं, और साइंस के रिसर्च फील्ड में हम किस तरीके से उनको आगे ला सकते हैं, जो रिसर्चेस समाज के उपयोग में है हम उसमें किस तरीके से उनको उनकी भागीदारी ला सकते हैं, इसमें भी हम बहुत सारा कार्य हम कर सकते हैं, करते भी हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें कि आत्मनिर्भर भारत की बात मोदी जी ने कही है, हम सभी लोग जानते हैं कि जैसा जैसा देश हमारा अगर आगे बढ़ रहा है तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका जो बढ़ोतरी है वो एक सर्वांगीण होनी चाहिए, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ होनी चाहिए। यानी अगर हम हमारे गांवों को निगलेक्ट करते हैं तो हम नहीं, मुझे नहीं लगता कि देश पूरी तरह से आगे बढ़ेगा। एक छोटी सी ऊपर की चकाचौंध से हम ये नहीं कह सकते कि हमारा देश सही में प्रगति कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि गांव में अगर आप देखेंगे तो मैंने ये जो सस्टेनेबल गोल्स हैं उसमें फार्मिंग का जो गोल है उसमें ये मेंशनड है कि किसानों में जो किसान खेती किसानी में जो काम गांव में होता है उसमें 50% काम जो है वो महिलाएं करती हैं। तो ये जो है
ये वर्कफोर्स जो है ये हमको किस तरीके से इनको हम एनेबल करें कि हम इनको भी वो कोई जोड़ धंधा इसके साथ में हम दे सकते हैं। जैसा कि अभी सभी लोग हम जानते हैं कि शक्ति का भी ये अप्रोच है और शक्ति ने भी ये नया प्रोजेक्ट के रूप में लिया हुआ है कि हम अपना शक्ति की स्थापना जो है गांव में भी हम यूनिट्स के मान से हम शक्ति को गांव में भी पहुंचाएंगे और गांव में हम एक सर्वे करके वहां पे क्या हम कहां पे अपना इंटरवेंशन कर सकते हैं ये हम देखेंगे। तो ये जो एक जोड़ धंधा है खेती किसानी के साथ में जो किसानों की उपज है उसको अगर हम उसके साथ में अगर हम उनको कोई सहायक एक और उद्योग अगर हम उसकी मदद कर सकते हैं या उनको एंटरप्रेन्योरशिप की हम ट्रेनिंग दे सकते हैं तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा कार्य हम कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं तिलहन की खेती करते हैं गांव में और अगर ये तिलहन जैसा के तैसा ही बेच देते हैं अगर हम इनको ऑयल एक्सट्रैक्शन का छोटा सा प्लांट अगर हम वहाँ पे लगवा सकते हैं या उनको हम इसकी मदद करवा सकते हैं उनका हम उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं तो ये एक उसके साथ में वैल्यूएशन भी हो सकता है। उसी तरीके से जो लोकल जो चीजें हैं जो कि वेस्ट जाती है जैसा कि आपने ये भी एक नारा सुना होगा कि वोकल फॉर लोकल यानी अगर हम लोकल जो भी रिसोर्सेस हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं जैसे नीम है बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी बहुत ही ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है लेकिन ये सारे के सारे प्लांट्स क्योंकि जस्ट एक प्लांट के तरह ही उगते हैं और उनको हम बहुत सारा वेस्ट भी होता है तो हम इसके सहायता से हम किस तरीके से ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स की हम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। जैसा कि मैं एमगिरी करके इंस्टीट्यूट है वर्धा में वहाँ पे मैं कार्यरत हूँ तो उसमें भी रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हम किस तरीके से छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जिसमें कि ज़्यादा लागत नहीं हो सकती और जो गांव के लिए रिलेवेंट है ऐसे हम प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने वहाँ पे इनोवेट किए हुए हैं। जैसे गांव में हर एक के पास गाय होती है गाय का जो है दूध तो उपयोग में आता है लेकिन उसका गोबर और गौमूत्र जो है वो वेस्ट जाता है तो ये गोबर और गौमूत्र से हम किस तरीके से ऐसे छोटे छोटे रोज के जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम मल्टीनेशनल कंपनीज से हम जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं जिनका कि हमारे सेहत पे प्रदूषण हमारे वातावरण में प्रदूषण होता है हमारे सेहत पे उसका गलत असर होता है तो ये सारी चीजें जो है ये हम कर सकते हैं इनकी ट्रेनिंग हम उनको दे सकते हैं और ये छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ाने का भी हम उनको बढ़ावा दे सकते हैं। तो ऐसे कई कार्य हैं ऐसे कई काम है जो शक्ति करना चाहती है शक्ति कर रही है और मुझे लगता है कि हमारा जो उद्देश्य है कि साइंटिफिक फील्ड में हम कार्य करें साइंस के जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने एक मदर किचन का भी प्रोजेक्ट लिया हुआ है जिसमें कि हम हमारी जो ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं वो किस तरीके से हमारे देश काल और ऋतु के हिसाब से वो कितनी सहायक है हमारे शरीर को सब पूरा न्यूट्रिशनल वैल्यूज सप्लीमेंट करने के लिए ये भी हम लोगों के सामने लाना चाहते हैं उसका एक साइंटिफिक वैलिडेशन देके और ये भी हम कार्य कर रहे हैं। ऐसे कई कार्य हैं क्योंकि समय का अभाव है और मुझे लगता है कि हम ऑलरेडी वी आर लेट सो आई थिंक दैट वी आई मस्ट थैंक यू सुजाता जी फॉर गिविंग सच ए ग्रेट लेक्चर ऑन निवेदिता और शक्ति की ये जो समर्पण दिवस का हमारा कार्यक्रम है मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे सारे यूनिट्स में शक्ति का ये कार्यक्रम समर्पण दिवस का कार्यक्रम हम करते हैं और निवेदिता जी को याद करके उनके कार्य को याद करके उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश हम करते हैं और मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं दिल्ली शक्ति के साथ भी कि वो भी निवेदिता जी से प्रेरणा लेकर और बहुत ही अच्छे तरीके से अपना कार्य को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच मैम हमें इतने नए नए पहलुओं से अवगत कराने के लिए और हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए हमारे सभी स्पीकर्स ने हमें सिस्टर निवेदिता की संजीवनी से अवगत करा दिया। अब मैं कुछ यंग अचीवर्स को बुलाना चाहूंगी जो उनसे प्रेरणा लेकर एक पहल करना चाहते हैं टू स्पीक ऑन द रोल इन नेशन बिल्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉल निहारिका फ्रॉम BA ऑनर्स टू थ्रो सम लाइट ऑन आवर टुडेज सेशन। ओवर टू यू निहारिका। Good evening, everyone. Firstly, thank you, Indraprastha,
Today we have gathered here to celebrate the 153rd birth anniversary of Sister Bhagini Nivedita. I would like to start by giving a brief introduction about her. And since Sujata ma'am has already enlightened us about her, I would be only talking about the two teachers she had as a role model who had a major impact on her life. First was her father. He always taught her that service to mankind is the true service to God. His words made an impression on Nivedita's mind. At an early age of 8, she had the realization that religion is not about having belief in the doctrines, but it is about, but it is about searching for the divine light that will bring enlightenment. And second was Swami Vivekanand. She was one amongst the many disciples of Swami Vivekanand, whose principles and teachings had an imprint on her mind and heart. And Swamiji was the one who inspired her to do something for the welfare of women of India. If it was Swami who called her by the name Nivedita, as it is used to refer to someone who is highly dedicated to the Almighty God. But the goals of the sister Nivedita are yet to be fully accomplished. Still, at this very present moment, women are considered second-grade citizens. In some parts of the world, girls are discouraged to continue their education after schooling because their elders think that if they have a proper education, they will become superior to men. It's not about who's superior to whom, rather about equality. Can any one of us imagine a working and a happy household without females? In fact, in our country itself, women count for just 49% of the vote, which is not even the equal half. In such a modern world, we still lack the sense of equality. And this is what I would like to work upon. At present, I engage with my maid's children and help them with their studies, along with coloring and some sports activities. I plan to become a civil servant to work upon this gender equality and gender dignity. I know it requires a lot of hard work, but with Sister Nivedita as my role model, I would like to complete what she started. They say every small lamp provides light. If not a major change, then at the very least, I would like to become the small light. And also, I would like to invite all the men and women to join me in doing so. Thank you. Thank you so much, Niharika. Ab main bulana chahungi Priya, BSc Botany Honors Yuva ki sadasya. Over to you, Priya. आप सभी को नमस्कार. सर्वप्रथम मैं NSS इकाई और इंद्रप्रस्थ शक्ति का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस विशेष उपलक्ष पर इस अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया. जैसा कि हम सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि आज भारतीय इतिहास के सुनहरे पन्नों में स्थान रखने वाली एक महान हस्ती का जन्मदिन है, जो मूलतः इस भारतीय मिट्टी की ना होते हुए भी अपना संपूर्ण जीवन भारतवर्ष और इसके समस्त नागरिकों के विकास के लिए समर्पित कर गई. मैं बात कर रही हूँ आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी की आध्यात्मिक पुत्री श्रीमती भगिनी निवेदिता जी का, जिन्हें हम लोग सिस्टर निवेदिता के नाम से भी जानते हैं. इनका संपूर्ण जीवन हमें बहुत से अमूल्य तथ्यों से अवगत कराता है, जिनका अनुसरण कर हम अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं और साथ ही समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे सकते हैं. मेरा संदर्भ इससे मुख्यतः कुछ विशेष घटनाओं से है. मात्र 17 वर्ष की आयु में इन्होंने ये शिक्षण कार्य में जुट गई और इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना भी की. ये वही उम्र है जिसमें हम आजकल के युवा एक विषय को चुनने में भ्रमित रहते हैं. इनकी लोक कल्याण के प्रति रुझान को देखकर स्वामी जी ने इन्हें भारत आने का आमंत्रण दिया ताकि वो यहाँ आकर भारतीय महिलाओं के हित के लिए कार्य कर सके. स्वामी जी के एक आग्रह पर वो अपना सब कुछ छोड़कर भारत आ गई. अब एक प्रश्न मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि क्या हमारे मन में एक ऐसी भावना है कि हम अपना सब
हम अपना सर्वस्व त्याग कर मानव जाति के कल्याण में जुट जाएं? यदि इसका जवाब हाँ है तो ये अत्यंत उचित है, क्योंकि समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने से पहले किसी भी व्यक्ति में त्याग और लोक कल्याण की भावना का होना उतना ही आवश्यक है जितना परीक्षा देने से पहले कागज और कलम का। इन्होंने जगदीश बोस जी को न केवल उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करके एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई, अपितु भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अनुसरण कर सभी लोगों को भारतीयता का बोध भी कराया। इनके इन्हीं गुणों के कारण रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें लोक माता की उपाधि से नवाजा और साथ ही स्वामी विवेकानंद ने इन्हें द मिस्ट्रेस सर्वेंट सॉरी एंड फ्रेंड फ्रेंड टू वन कहकर संबोधित किया। मैं इनके जीवन से बहुत अधिक प्रभावित हूँ और इसीलिए मैंने इनसे प्रेरित होकर अपने जीवन में कुछ प्रयास किए हैं जो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। मैं मूलतः हरियाणा राज्य से संबंध रखती हूँ और वहाँ महिलाओं के शिक्षा के क्षेत्र में योगदान और समाज में उनकी वर्तमान स्थिति से शायद ही कोई व्यक्ति यहाँ विद्यमान है जो वाकिफ ना हो। इसीलिए मैंने अपने गांव और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को महिलाओं को शिक्षित करने के लिए जागरूक किया और साथ ही उन्हें इस बात का बोध भी कराया कि जिस प्रकार पुरुषों का शिक्षित होना अनिवार्य है, उसी प्रकार महिलाओं का शिक्षित होना भी अत्यंत आवश्यक है, तभी हम सभी मिलकर सामाजिक पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। ये कुछ पहल मैंने निवेदिता जी से प्रेरित होकर अपने जीवन में की। इसके अतिरिक्त मैंने गरीब बच्चों को पुस्तकें प्रदान भी की ताकि वो लोग शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसीलिए अब मैं आप सभी से एक अनुरोध करती हूँ कि हम सभी मिलकर निवेदिता जी के जीवन से प्रेरित होकर अन्य लोगों की मदद करने के प्रयास करेंगे और अपने व्यक्तित्व को निखारने का भी प्रयास करेंगे, तभी हम सब मिलकर एक सुदृढ़ और विकसित समाज की स्थापना कर सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रिया। अब मैं बुलाना चाहूंगी मानसवी बीए प्रोग्राम एनएसएस की मेंबर। ओवर टू यू मानसवी। हेलो, आई एम ऑडिबल। अनुष्का, आई एम ऑडिबल। यू हैव टू बी लिटिल लाउडर। अब मैं बुलाना चाहूंगी मानसवी बीए प्रोग्राम एनएसएस की मेंबर। ओवर टू यू मानसवी। आप सभी को नमस्कार। मैं मानसवी राजपूत एनएसएस देशबंधु तथा इंद्रप्रस्थ शक्ति को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया ताकि मैं अपना अनुभव आप सबके साथ बांट सकूं और अपने विचार इस पर व्यक्त कर सकूं। मनुष्य का संक्षिप्त जीवन अनेक व्यक्तियों एवं वस्तुओं से प्रेरित होता है। आज हम एक ऐसे ही व्यक्तित्व के विषय में चर्चा कर रहे हैं जो न केवल अपने जीवन काल में अपितु उसके पश्चात भी असंख्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। महिला वर्ग के उत्थान को उन्होंने जीवन पर्यंत प्राथमिकता दी। उनका जीवन बहुत से व्यक्तियों के लिए प्रेरणादायक रहा है। उन सभी के बीच मैं भी स्वयं को पाती हूँ। उनके जीवन से मार्गदर्शन लेकर महिला वर्ग के सशक्तिकरण के लिए मैं भी पथ अग्रसर होना चाहती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी शुभ कार्य का आरंभ खुद के घर से करना चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर मैंने अपनी दादी को शिक्षित करने का सोचा। उन्हें पढ़ने का शौक है तथा वह जिज्ञासु भी हैं। बचपन से परिवार की स्थितियों के कारण वह पढ़ नहीं पाई। मैं उन्हें स्वयं हिंदी पढ़ाती थी और आज जब मैं उन्हें देखती हूँ तो मेरा दिल बाग बाग हो उठता है। वह कई धार्मिक पुस्तकें पढ़ चुकी हैं तथा अब वह अपने पूरे परिवार का नाम लिखना जानती हैं। बहुत से लोगों के लिए ये बहुत आम बात होगी, परंतु मेरे नजरिए से देखा जाए तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह मेरा सपना है कि समाज में उन महिलाओं को भी शिक्षा उपलब्ध की हो जिन्हें अशिक्षित होने के कारण बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी सपने को आंखों में लेकर मैंने एनएसएस यूनिट के वुमेन एम्पावरमेंट सेल का हिस्सा बनके इस पथ पर मैंने दूसरा कदम रखा। आशा करती हूँ कि सिस्टर निवेदिता का जीवन मुझे हमेशा प्रेरित करता रहेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी उनके जीवन से प्रेरणा लेकर कई फैसले लेंगे और उन पर अमल करेंगे। मैं अंतिम में दो पंक्तियां कहना चाहूंगी जो मैंने अभी लिखी हैं। तो मकरंद C
सी तासीर है, गुलकंद सी शख्सियत है इनकी। मकरंद सी तासीर है, गुलकंद सी शख्सियत है इनकी। कुदरत की रहमतें हैं, किसी किसी पर ही बरसती हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मानसवी। अब मैं बुलाना चाहूंगी कनिष्क सिंह, क्लास 12th बाल भारती पब्लिक स्कूल। ओवर टू यू। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक इंद्रप्रस्थ शक्ति एंड एनएसएस फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। सिस्टर निवेदिता हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड इन्फ्लुएंशियल वुमेन ऑफ 19th एंड 20th सेंचुरी इंडिया। वी ऑल नो अबाउट हर numerous contributions to society and upliftment of science. Now, the numerous contributions of society, we all know about what they are, the 1899 plague epidemic in Kolkata and how she volunteered and asked other young people to also volunteer. We know about her work in girls' education. She established one of the first girls' schools in India. We know how she helped the great Indian botanist, biologist, physicist, and genius Dr. J.C. Bose in his endeavors. But I would like to talk about how Sister Nivedita has influenced me. I came to know about Sister Nivedita when I was in class 9th, and I was so impressed by her that I decided to take up scientific research as my career. And perhaps it's due to her that today I'm working with such prestigious organizations and universities like Harvard University and MIT, and I'm closely working with the Nobel laureate, Dr. David Baltimore. I give a lot of credit to Sister Nivedita for all this. Another reason where I will like to give credit to Sister Nivedita is that me and my close friends are very much impressed by her contributions in 1899 Kolkata plague epidemic. And as you all know, currently the COVID-19 pandemic is, you know, destroying several lives and has created a havoc. Me and my friends, just like Sister Nivedita, has decided to contribute to our community. We are distributing free masks and sanitizers and things to poor people in our community. We are ensuring that all those who are have become the victim of COVID-19 are receiving all the help they can. In the end, I will just like to say that Sister Nivedita has been a great inspiration for me and for several of the youth. And we must ensure that just like Sister Nivedita, we work tirelessly to ensure that science is progressed and society is uplift. Also, we should learn about her from her the values of nationalism and how national identity and identity of your own culture is very important. Thank you very much, everyone. Thank you so much, Kanishk. Now I would like to call Dr. Prachi Singh from JNU. Over to you, ma'am. सभी दीदियों को मेरा नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर प्रदान करने के लिए भगिनी निवेदिता के बारे में चंद शब्द बोलने के लिए। मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात को रखूंगी और भगिनी निवेदिता के को थोड़े डिफरेंट एंगल से बताने का प्रयास करूंगी, जिसमें कि मैं भगिनी निवेदिता क्या क्या भाव है, मैं उस पर चंद शब्द अपने रखूंगी। भगिनी निवेदिता जी से एक बार पूछा गया था कि भविष्य में भारत के लिए उनके पास में क्या काम है, और उनका उत्तर था, मेरा जीवन ही भारत देश के लिए है, यानी जन्म लेना और मृत्यु लेना इसी देश की सेवा में निहित है। सिस्टर निवेदिता's लाइफ वॉज वेरी ब्यूटिफुल, बट शी स्टिल चोज टू लीव हर वेरी ओन मदरलैंड एंड मेड इंडिया हर मदरलैंड। यह अपने आप में एक प्रश्न है कि ऐसा क्या भाव, प्रेरणा उनके अंदर में एक पैशन था जिसकी वजह से उन्होंने भारत देश के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा दी। सिस्टर निवेदिता एक व्यक्ति विशेष ही नहीं, बल्कि उस भाव का नाम है, उस एटीट्यूड का नाम है, वेयर शी वांटेड टू बिकम अ सर्वेंट ऑफ हिज लव टू हिज पीपल। हियर ही रिफर्स टू स्वामी विवेकानंद। वे यहाँ किसी मिशनरी वर्क या कुछ चंद प्रोजेक्ट्स करने के लिए नहीं आई थी। वे जानती थी कि उनकी मुक्ति भारत और उसके लोगों को प्रेम करने में निहित है, और यही वजह है कि उन्होंने खुद को भारत देश की मिट्टी से अपने आप को संलग्न कर लिया था। वे यहाँ की आध्यात्मिक निधि और उसकी अक्षुण संपदा को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए आई थी। वे जानती थी कि भारत से प्रेम किए बिना और उसके प्रति अपने सेल्फलेस सर्विस दिए बिना वे स्वामी विवेकानंद के सपनों को और उनकी सेवा नहीं कर सकती हैं। सिस्टर निवेदिता के इसी भाव के पीछे मैं प्रेरणा के लिए चंद शब्द कहना चाहूंगी।
स्वामी विवेकानंद बेसिकली इज अ शक्ति वर्शिपर, और उनका यह मानना था कि देश का उत्थान यहाँ की महिलाओं की शिक्षा के बिना नहीं हो सकती. एंड दैट इज व्हाट द रीजन वाज कि ही हैड अ प्लान फॉर द रीजनरेशन ऑफ इंडिया ऑन टू लेवल्स, फर्स्ट बाय रेजिंग द मासेस एंड सेकेंड बाय रेजिंग द वुमेन. यही वजह थी कि वे अत्यंत उद्युग्न एवं ज्वलंत भाव से हमेशा वुमेन एजुकेटर्स की उस फौज की तलाश करते रहते थे जो इस कार्य को अमली जामा पहना सके. लेकिन उन दिनों एजुकेटेड वुमेन की पॉपुलेशन बहुत ही छोटी सी थी. यही वजह थी कि उन्होंने एक विदुषी महिला सरला घोषाल, जो इन दिनों भारतीय पत्रिका की एडिटर भी थी, को यह कार्य उठाने का न्योता दिया. परंतु उस समय के सोशल प्रेशर को देखते हुए महिलाएं बहुत अधिक इस क्षेत्र में आगे नहीं आ पाई कि वे दूसरी महिलाओं की इस क्षेत्र में सहायता कर सकें. भगिनी निवेदिता जी, स्वामी विवेकानंद की वह प्रेरणा और संकल्प शक्ति का रूप है जिसने स्वयं को भारत की मिट्टी से एक करके उन्होंने अपने आप को स्वयं को देश की बेटी के रूप में माना. स्वामी विवेकानंद के वेदांत के ऊपर कई व्याख्यानों को सुनने के बाद उन्हें मास्टर शब्द से पुकारने लगी. उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि स्वामी विवेकानंद ही उनके वे गुरु हैं जिनसे वे आध्यात्म संबंधी ज्ञान को ले सकती हैं. और जैसे जैसे वो स्वामी विवेकानंद को जानने की प्रयास करने लगी, उन्हें स्वामी विवेकानंद के रूप में भारत देश के दर्शन हुए और उन्हें पता चला कि स्वामी विवेकानंद की सेवा का अर्थ है भारत देश की सेवा करना, भारत देश को जानना, उसकी मिट्टी में खुद को घोलना और उसके प्रति अपने जीवन को गुजार देना. उनके शब्दों में अगर कहा जाए तो वे ऐसा कहती हैं, आई हैड रिकग्नाइज्ड अ हीरोइक फैब्रिक ऑफ दिस मैन एंड हैज डिटरमाइंड टू मेक सर्वेंट ऑफ हिज लव टू द पीपल एंड इन डूइंग दिस इट इज टू हिज कैरेक्टर दस आई पेड ऑब्सेंस. सिस्टर निवेदिता का भाव एक दास का भाव है, निस्वार्थ सेवा का भाव है. उनके भारत देश के प्रथम लेक्चर में उन्होंने यह घोषणा की थी कि वे यहाँ निस्वार्थ सेवा के एक ज्वलंत भाव से आई हैं और वे अंतिम क्षणों तक भारत देश की सेवा करती रहेंगी. मुझे लगता है वह अब समय आ चुका है when we as a team of women of most exalted character, knowledge and expertise can work to the dream of Sister Nivedita. But this is the half done work of Sister Nivedita. We all have to become Sister Nivedita. We all are indeed Sister Nivedita. This is the second half of our dream. यह वह समय है कि हम अपनी शिक्षा, अपनी लालन पालन, अच्छी परवरिश, जो कुछ भी हमें इस देश से मिला है, we can return it in the form of selfless service. इसी भाव से that this serving country, which is a land of seers and sages, of a brilliant of intellect, of a highest of a spirituality, is a service not to India, but serving India is service of one's own self. In any form, whether by knowledge, whether by food, whether by clothes, whether in time, हर छोटे कार्य से लेकर हर बड़े कार्य तक, इन व्हाटएवर वी थिंक वी कैन हेल्प आवर सिस्टर्स एंड मदर्स, वी हैव टू नाउ स्टेप अप. दिस इज अ रियल मीनिंग एंड अ लाइफ ऑफ सिस्टर निवेदिता. शी सिग्निफाइज डेडिकेशन, करेज एंड सेल्फलेस सर्विस. इन वेरी ओन वर्ड्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ही सेड, सिस्टर निवेदिता'स वर्क इज द मिरर टू अस, टू एवरी इंडियन, टू इन्फॉर्म अस अबाउट आवर वेरी ओन हेरिटेज. हेंस इट वॉन्ट बी अ बोस्टफुल टू से that Sister Nivedita is India in herself, that reflects the womanhood of our country. Thank you. Dhanyavaad. Now it's time to acknowledge and express our gratitude to Yes, Anushka. Hello. आप हैं? हाँ, मैं हूँ. मैं हूँ. ठीक है. There is some not network problem. We have with us. No, you are audible now. You are. We have with us Dr. Omkar Rai ji, who is not only our Margdarshak, he is General Secretary Vigyan Bharati and President of Indraprastha Vigyan Bharati, as well as he is right now holding a position of Director General of STPI India. So I invite Dr. Omkar Rai sir to give away the concluding remark and the blessing to our Shakti family.
Over to you, sir. आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार. इस कार्यक्रम में उपस्थित शक्ति की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सुधा तिवारी जी, इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता आदरणीय सुजाता नायक जी जो विवेकानंद केंद्र से हैं और जिनको हम सब ने सुना, प्रोफेसर उमा कुमार जी जो इंद्रप्रस्थ शक्ति की अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सुधास स्मिता सुंदरम जी, स्वयं प्रोफेसर रूबी मिश्रा जी, अनुष्का जी, डॉक्टर प्रतिमा सोलंकी जी, मोनिका जी और अन्य प्रतिभागीगण, और जिन छात्रों ने अपने विचार प्रस्तुत किए, निहारिका जी, प्रिया जी, मनुष्य जी, कनिष्ठ सिंह, डॉक्टर प्राची सिंह. मैं इस पूरे कार्यक्रम के समाप्ति की ओर, मुझे एक कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए बुलाया गया है. मुझे लगता है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो ये समर्पण दिवस इंद्रप्रस्थ शक्ति मना रहा है और जिसमें इस तरह की एक चरित्र के बारे में, जिसको भगिनी निवेदिता कहा जाता है, उसके बारे में स्वयं विवेकानंद केंद्र से आदरणीय सुजाता नायक जी ने जिस तरह का एक प्रस्तुतिकरण की प्रस्तुति की है और जिस तरह का एक उनके जीवन चरित्र के बारे में हमें बहुत सुगमता से और सरलता से बताया है, मुझे लगता है कि ये काफी रोचक था, काफी ज्ञानवर्धक था और काफी प्रेरणादायी था. जैसा कि जो शक्ति है इंद्रप्रस्थ, जिसको दिल्ली का कहते हैं, और शक्ति में इस समाज की महिलाएं जुड़ी हुई हैं और शक्ति का नाम उनकी आंतरिक शक्ति और उनकी जो एक साथ जुड़ने की शक्ति जो पैदा हुई है, उस शक्ति से भगिनी निवेदिता जी से के जीवन से अगर हम प्रेरणा लें तो अपना तन मन जीवन सब कुछ समर्पित करके समाज एक आयरलैंड की एक महिला जो कि स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित होती हुई भारत की धरती पे कदम रखती हैं और पूरा जीवन न केवल भारत की सेवा में समर्पित करती हैं, भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए समर्पित करती हैं, वरन वो विदेश जाकर भी भारत की जो गरिमा है उसको रक्षा करने के लिए विदेश के भी मोर्चों पे अपना कार्य करती हैं. और ऐसे चरित्र, ऐसे नायक नायिका के आसपास ये आज जो कार्यक्रम हुआ है वो हम सबके लिए प्रेरणादायी, हम कुछ सीखेंगे. मैं देशबंधु कॉलेज को भी बधाई देता हूँ, शक्ति को भी बधाई देता हूँ और मैं जानता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रमों से हम सब अपने सदस्यों को और इस कार्यक्रम में भाग ले रहे बहनों को एक प्रेरणा देते हैं और वो इस प्रेरणा से प्रेरित हो करके इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ करने की एक प्रेरणा मिलती है. और इसीलिए आज ये समर्पण दिवस के रूप में जो शक्ति ने मनाया है वो इसके लिए बधाई के पात्र हैं. और मैं कहना चाहूँगा कि मैं अभी थोड़ी देर के लिए मैंने एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर अत्यंत विद्वान लोगों को मैं सुन रहा था और मुझे लगा कि जो भगिनी निवेदिता जी का भाषा के प्रति आग्रह था, जो वो राष्ट्र की अस्मिता से, उसकी भावना से जो उन्होंने भाषा को जोड़ा था, साहित्य को जोड़ा था, और एक विदेश की महिला जो अंग्रेजी भाषी थी और उन्होंने भाषा के महत्व को समझ के उसको प्रतिपादित किया था और विवेकानंद के सहयोगी के रूप में इस तरह के विचार हम सबके सामने रखे थे, आज उसका महत्व और बढ़ जाता है. और मैं ज्यादा समय न लेता हुआ आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ उस कार्यक्रम के लिए और ये कार्यक्रम अत्यंत प्रेरणादायी रहा और इससे हम सब ने कुछ न कुछ सीखा. बहुत बहुत धन्यवाद. आई वुड हार्टली लाइक टू थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स. जैसा कि हम अपने वेबिनार के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, मैं पूरी एनएसएस यूनिट, इंद्रप्रस्थ शक्ति और सभी युवा अचीवर्स को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी. और अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर प्रतिमा सोलंकी जी को वोट ऑफ थैंक्स के लिए. सभी को मेरा नमस्कार. आप सब लोगों को शक्ति समर्पण दिवस को समर्थ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. यह बहुत ही गर्व की बात है कि सभी वक्ताओं को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर पाए इस प्रोग्राम को. और मैं बहुत ही सहदिल से धन्यवाद देती हूँ सुजाता नायक जी का, जिन्होंने भगिनी निवेदिता जी के बारे में पूरी उनकी पूरे जीवन के बारे में उन्होंने बताया और उन्होंने जो
हमारे भारत के लिए क्या क्या किया है, इवन जैसे कि परमवीर चक्र का डिजाइन और उनके लाइक सभी अच्छे लाइक सीज नोन एज ए डिफरेंट नेम, तो जो कि बहुत सारे हमारे युवा छात्राओं को भी पता लगा और हमें भी पता लगा कि निवेदिता जी के जो जो भी हमारे इंडिया के लिए उन्होंने किया है, जो योगदान दिया है, तो वो बहुत एक इंस्पायरिंग था और जिसमें कि हम महिलाएं उनके पद पे चल सकते हैं, जिससे कि हमें बहुत ही सीखने को मिला। उसके लिए मैं बहुत ही अपनी दिल्ली टीम की तरफ से, शक्ति की टीम की तरफ से नायक जी को धन्यवाद देती हूँ। और ये प्रोग्राम के लिए मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल सर का भी बहुत ही सह दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपने कॉलेज के लिए पूरा एनएसएस टीम को इसमें लगाया और हमें जूम की फैसिलिटी और सभी टेक्निकल हेल्प हमें दी है। उसके लिए सह दिल से हम अपनी टीम की तरफ से धन्यवाद देते हैं। और सुधा तिवारी जी जो कि प्रेजिडेंट शक्ति प्रेजिडेंट हैं और उन्होंने हमें टाइम टू टाइम मोटिवेट करती है, नॉट ओनली फॉर दिस प्रोग्राम, वो हमें लाइक टू लाइक फॉर दिस वुमेन फॉर नेशनल वर्क के लिए या कुछ अपना सोसाइटी के लिए करने के लिए टाइम टू टाइम हमें प्रेरित करती हैं। और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि जो कि हमें महिलाओं को क्या करना है, जिससे कि हम गाँव को साथ में आगे बढ़ा सकें, ना कि एक अपना जो सिटीज है लेकिन गाँव को साथ में लेके हुए कि तभी हमारे पूरे भारत का आगे प्रोग्रेस रहेगा। उसके लिए मैडम मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करती हूँ, जो कि अपने अपने यंग स्टूडेंट्स को प्रेरित किया है इसके लिए। सेकंड, जो अगर हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं करते तो हम सुन नहीं पाते, तो जो भी एनएसएस की टीम है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं लाइक जो एनएसएस की प्रेजिडेंट है दीक्षा तिवारी है, स्पर्शी है, श्रेष्ठा है, हेमंग है, कृति है, एंड दिस ऋतिक, रोशन, भावना, अनुष्का ने बहुत अच्छे से एंकरिंग किया है पूरे में और टाइम टू टाइम सी हैज मैनेज द सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम ऑल्सो। तो आई थैंक अनुष्का फॉर योर वेल डन ऑल दिस प्रोग्राम। इसमें लाइक और भी हमारे जो टेक्निकल हेल्प में मोनिका बजाज है, मोनिका शर्मा है, तो ऑल दीज आर लाइक वी हैव दिस इज द टीम वर्क। एंड द मीडिया सपोर्ट के लिए अंजना, डॉक्टर मल्लिका, डॉक्टर दर्शन, डॉक्टर रंजना हारिया, इन्होंने बहुत ही टाइम टू टाइम दे सी हैज चेंजेज एंड द हेल्प टू डिजाइन द प्रोग्राम्स एंड द टेक्निकल हेल्प के वी आर थैंकफुल। एंड नोट ऑल अबाउट दिस लाइक ओमकार सर ने बहुत अच्छे से टाइम वी हैव मेट मैनी टाइम्स, और सर ने सभी शक्ति के लिए हमेशा गाइडेंस करते रहते हैं कि कैसे हमें आगे शक्ति को कैसे आगे बढ़ाना है। और विज्ञान भारती की तरफ से शक्ति का भी काफी एक तरह से मोटिवेशन मिलता है दैट फॉर द टू वर्क टू सोसाइटी। तो उसके लिए सर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने अपना टाइम दिया इसके लिए और आपने पूरे प्रोग्राम को सुना है। इवन युवा जो स्टूडेंट्स ने बोला है निवेदिता जी के बारे में, मैं बहुत ही खुश हूँ कि हमारे युवा स्टूडेंट्स जिनको आज पता लगा, आज सुन पाए हैं, पहली हमारी ये इंडिया इसकी दिल्ली की पहली मीटिंग थी, लास्ट में हमारा बहुत छोटा सा प्रोग्राम होता था लास्ट ईयर, बट फर्स्ट टाइम हम काफी लोग अराउंड 160-170 पार्टिसिपेंट सभी जुड़े हैं इस प्रोग्राम में, तो उन्हें वो सभी सुन पाए, क्योंकि निवेदिता जी के बारे में सुन पाए तो नेक्स्ट जो मीटिंग होगी नेक्स्ट ईयर वो भी हमारा लार्ज स्केल पे होगी। और उसके लिए मैं अब जो हमारी टीम है समिता सुंदरम, जो कि एक बहुत ही टाइम टू टाइम हर उसमें व्हाट्सएप पे या जो लिंक भेजना, और उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे जो यंग स्टूडेंट्स है ऑल वी आर दे आर द जूनियर, तो ये बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो ऑल दिस वर्क डन बाय द दिस एसोसिएशन ऑफ दिस द कॉलेज सर, वी आर वेरी थैंकफुल फॉर देशबंधु कॉलेज, दे हैव स्टार्टेड द इंद्रप्रस्थ शक्ति टू दिस फर्स्ट प्रोग्राम वी हैव कंडक्टेड ऑन निवेदिता जी। तो इसके लिए सर हम इंद्रप्रस्थ पूरी शक्ति की तरफ से मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ।
और रूबी डॉक्टर रूबी मिश्रा के बिना ये प्रोग्राम संभव नहीं था। मैडम ने इनिशिएट लिया कि देन वी विल ऑर्गेनाइज दिस प्रोग्राम। तो मैडम वी हैव लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम यू दैट हाउ दे यू आर मोटिवेटेड अस आल्सो इज एज अ पार्ट ऑफ दिस इंद्रप्रस्थ शक्ति। So then behalf of all this team, I thanks to Dr. Ruby Mishraji that she has done very good work, and then timely we have organized this program. And Vice President, this Bhavna Ji also thankful to this to help us for organize this program. And Diksha Tiwari Ji also, I thank the NSS President again, I thanks to all. I think and without any part these participants, the participants is also very important that if the participants will not join the program, I think no meaning of program. So I this thanks to all these participants, they give their time, they this part of this program. So I thanks to all the participants, they spare their time for this program. I think if I have left it to someone, then please, please. I thank all these programs. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Pratima ji. बल्कि आपका धन्यवाद व्यापन जो था, वो दिल से निकला और बहुत अच्छा रहा. और let me introduce also Dr. Pratima ji. She is an excellent researcher, excellent scientist. Thank you. She is a president awardee and she works diligently for nanoparticle. She is from Haryana Prant, and we are blessed to have her with us. Okay, over to you, Manasvi. Yes. Okay. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your encouraging words. Now, I would like to call Monica Sharma, ma'am, for Shanti Mantra. सभी को नमस्कार. सभी हम सभी शांति मंत्र करते हैं. आप प्लीज म्यूट करे रहे और अपने मन में ही शांति मंत्र का उच्चारण करें. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही. धन्यवाद. वी विल टेक अ फोटोग्राफ एंड देन वी कैन लीव द मीटिंग. सो ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑन योर वीडियोस. मोनिका, यू मे क्लिक द फोटोग्राफ्स. या मोनिका, दीक्षा, एंटायर टीम. नाउ आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू टर्न योर कैमरास ऑन सो दैट स्क्रीनशॉट्स मे बी टेकन बाय आवर मीडिया टीम. After 5 minutes, you all may leave. Thank you. सभी पेजेस का ले लेना. मीडिया टीम, सभी पेजेस का ले लेना. 4 पेजेस हैं. वी हैव ऑल 4 पेजेस एंड वी आर गोइंग फेसबुक लाइव ऑल्सो. सभी पेजेस का ले लेना. थैंक यू एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग. Thank you all.